राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। महाशिवरात्रि का पर्व है, सुबह के 3:30 बज रहे हैं। एक अलग सी वाइब्रेशन महसूस हो रही है। आई थॉट दैट आई शुड रिकॉर्ड अ वीडियो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ताकि मैं आपके साथ वो एनर्जी शेयर कर पाऊँ। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेज के बारे में हम बात करेंगे। थर्ड लॉर्ड को इतना इंपॉर्टेंस कुंडली में नहीं दिया जाता, या तीसरे भाव को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, बट ये गलत है कहीं ना कहीं। तीसरा भाव आपको बताता है कि आपको कहाँ पर एफर्ट्स करने चाहिए और क्या एफर्ट्स करने से आपको कितना सक्सेस मिल पाएगा। देखिए, अगर आप अपने आप से ये सवाल पूछे अपने आसपास के लोगों को देख करके क्यों वो सक्सेसफुल नहीं है, आपको पहला रीज़न यहाँ पर ये पता पड़ेगा, या तो उन्होंने मेहनत नहीं की, या तो दूसरा रीज़न ये पड़ेगा, सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं की। बहुत लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं जीवन भर, बट वो सही डायरेक्शन में ना करने के कारण उनको सक्सेस नहीं मिल पाती। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको डिफरेंट चीज़ें ट्राई नहीं करनी चाहिए, बट अगर 40 की उम्र हो गई है, 45 की उम्र हो गई है, 50 की उम्र हो गई है, तो भी आप वही चीज़ पर लगे हुए हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, तो आप देखेंगे सक्सेस मिलना लेट या फिर डिफिकल्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। तीसरे भाव का मालिक जो होता है कुंडली के अंदर, वो आपको बताता है कि डायरेक्शन में का कैसे एफर्ट करना है, कौन से डायरेक्शन में एफर्ट करना है, आपको डायरेक्शन लेस एफर्ट से बचना है। कुंडली के अंदर देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि तीसरे भाव का मालिक भाग्य के साथ किस तरीके से एक योग बना रहा है, और तीसरे भाव का मालिक दूसरे भाव या और 11वें भाव के साथ किस तरीके से एक रोल बना रहा है, ताकि आप पैसा कमा पाएं। देखिए, डायरेक्शन वाला एफर्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन लेस एफर्ट आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पर लेकर जाएगा जहाँ पर डिसरिस्पेक्ट है, जहाँ पर पीपल आर नॉट रिस्पेक्टिंग यू, बिकॉज आज के ज़माने में अगर आपके एफर्ट्स आप कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं दिख रहा है, बिकॉज रिजल्ट ओरिएंटेड है सारा कुछ, राइट? रिजल्ट अगर नहीं दिख रहा है तो लोग डिसरिस्पेक्ट करेंगे आपकी। और अगर आप तीसरे भाव को देखेंगे तो 10वें भाव से देखिए आप उसको, 6-8 का पोजीशन वो बनाता है। आप नोटिस करिए कि 10वें भाव से तीसरा भाव जो है वो 6-8 का पोजीशन बनाता है। राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा जो भाव होता है कुंडली के अंदर, वो इमेच्योर मर्क्यूरी का भाव होता है। इमेच्योर मर्क्यूरी मतलब ये जो बच्चा है वो 6 से 8 साल का है खाली। अब आप 6 से 8 साल के बच्चे को जाकर अगर आप कुछ कहोगे कि मेरा ये काम कर दे, वो आपसे क्या ही एक्सपेक्ट करेगा। तीसरा भाव जो होता है वो आपके हॉबीज का होता है, वो आपके एफर्ट्स का होता है, बट वो एफर्ट्स विदाउट एक्सपेक्टेशन और गेंस। ये बंदा एफर्ट कर रहा है बट अभी ये पैसे के लिए नहीं कर रहा है, इट इज ही इज ओनली डूइंग इट आउट ऑफ लव। देखिए, इसीलिए कुंडली में देखेंगे कि इमेच्योर मर्क्यूरी होता है वो मोस्टली आपको आर्टिस्ट के कुंडली के अंदर देखने मिलेगा। फॉर एग्जांपल, कोई शादी हो रही है और आपने किसी सिंगर को बुलाया हुआ है, सिंगर को आपने दे दिए 5,000 रुपये 3 घंटा गाना गाने के लिए, जो इंडिया में बेसिक रेट चलता है। अब 4 घंटे का इवेंट हो गया तो भी उसने 4 घंटे गाना गा लिया, पर उसने आगे के पैसे नहीं मांगे। क्यों नहीं मांगे? बिकॉज ही इज डूइंग इट आउट ऑफ लव, वो एक पैशन है। यही पैशन के चक्कर में कई बार आप देखते हैं, आप एफर्ट्स तो डाल रहे हैं बट आप अपना हक नहीं मांग पाते, क्योंकि तीसरा भाव का मालिक है, इट इज ऑल अबाउट योर हॉबीज, इट इज ऑल अबाउट द एफर्ट्स विदाउट गेन्स। तो आपको उसको गेन से किस तरीके से कनेक्ट करना है वो इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट जो होते हैं इंडस्ट्री के अंदर भी, अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बड़े लेवल पे पहुंच जाए, दे आर ऑल अंडर पेड। आप देखेंगे आर्टिस्ट हमेशा अंडर पेड होता है। अगर मैं यहाँ पर बड़े बड़े कंपनीज की बात करूँ तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा देते हैं सिंगर से, जैसे आपने देखा होगा, और कितने साल तक उन्हें अपने अंडर रखते हैं, बट इंसान को समझ ही नहीं आ पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है, बिकॉज इट इज ही इज ऑल डूइंग इट आउट ऑफ लव। तीसरा भाव जो है वो एफर्ट करने का है, बट एफर्ट विदाउट एक्सपेक्टेशन। एक गिटारिस्ट को आप देखेंगे, वो इस तरीके से गिटार प्ले करेगा स्टेज के ऊपर आकर, 1 घंटा एक्स्ट्रा कर देगा। क्यों? क्योंकि वो उसका एफर्ट है, उसका हॉबी है। इमेच्योर मर्क्यूरी है तीसरे भाव का मालिक। इसको एक क्लिप मैं आपके यहाँ पर ऐड करूंगा, आप समझ पाएंगे इस क्लिप के थ्रू भी कि मैं क्या कहने की आपसे कोशिश कर रहा हूँ। ये पैसा मिल जाएगा, मैं ये चीज अपना संभाल सकता हूँ। फिर उसको बोला जाता है कि तुमको इतना पैसा मिलेगा और तुम काम करो, तुम फाइनली वो भी नेगोशिएट करके ही होता है, उसमें वो मानता है। वो मान के जब काम करते है तो भूल जाता है कि उसको कितना काम करना है उस पैसे के लिए। पर जो लोग पागल होते हैं आर्टिस्ट, बहुत लोग ऐसे होते हैं, घुस जाते हैं, करते रहते हैं, वो फिर तब तो नहीं सोचते ना कि मुझे कितना पैसा मिलेगा। वो अच्छे से काम करते हैं, तुम जितना बोलो उतना करते हैं, चलो ठीक है, क्योंकि उसको आर्ट से प्यार हो गया। वो फिर पैसे के लिए नहीं सोचता है, वो सिर्फ चाहता है कि और अच्छा करते हैं, चलो थोड़ा सा और कोशिश करते हैं, और फिर कुछ बनता है। बनने के बाद फिर हमको रियलाइज होता है हम लोगों ने कितना काम किया है, जितना बोला था उससे ज्यादा किया है। फिर जब पेमेंट जो बोला है उससे कम आता है ना, तो यू आर किलिंग एन आर्टिस्ट। उसका जो प्यार है ना आर्ट के साथ, जो वो जो सेल्फलेस एक रिलेशनशिप है जब काम करता है कोई, वो मैनिपुलेट हो जाता है। दैट इज द रीजन आप बड़े बड़े आर्टिस्ट के अगर कुंडली में देखेंगे तो थर्ड लॉर्ड या फिर मर्क्यूरी आपको वाटर साइंस के अंदर देखने मिलेगा, या तो कैंसर के अंदर, स्कॉर्पियो के अंदर, या तो पाइसिस के अंदर देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब जो आर्ट है, जो एफर्ट है, वो कहीं ना कहीं इमोशंस के साथ कनेक्ट हो चुका है, और इमोशंस की वजह से वो दे तो बहुत अच्छा पाते हैं ऑडियंस को, बट अपने हक की चीज़ नहीं मांग पाते। अगर यहाँ पर अरिजीत सिंह की बात करें तो आप देखेंगे थर्ड लॉर्ड जो बन जाते हैं वो मर्क्यूरी बन जाते हैं, पाइसिस के अंदर आकर बैठे हैं, डेबिलिएटेड कंडीशन के अंदर, तो इंसान पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, बट एट द सेम टाइम वहाँ पर वीनस राहु भी है, इसीलिए वो पैसा क्या है, बाय प्रोडक्ट है कि आ गया वो पैसा।
था, बट अदरवाइज आप उनकी पर्सनैलिटी देखकर आप सोच सकते हैं कि आदमी पैसा मांग पाएगा। आप अगर सोचेंगे कहीं डीप जाकर किसी आर्टिस्ट के बारे में, तो आपको समझ में आएगा कि आर्टिस्ट जो होता है वो पैसा नहीं मांग पाता है, बिकॉज ही इज ओनली डूइंग इट आउट ऑफ लव। तो ये रिस्पेक्ट भी शो करना इंपॉर्टेंट है, और हमारे इंडिया में तो आपको बहुत ज़्यादा देखने मिलता है। अभी सोनू निगम की भी अगर बात करें, तो उन्होंने जो क्लेम्स लगाए हैं बड़े बड़े कंपनीज पे कि 10 साल तक उनको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रखा, पर 10 साल तक समझ में कैसे नहीं आया ना कि मुझे ये नहीं करना चाहिए बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग पेड व्हाट आई नीड टू गेट पेड, या फिर मेरी जो हैसियत है उसके हिसाब से मुझे पेमेंट नहीं मिल रहा है। क्यों? बिकॉज ओनली आउट ऑफ लव। तीसरा भाव आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव देखने मिलेगा, थर्ड लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस। मैं हमेशा मेरे वीडियोस के अंदर कहता हूँ कि पहले भाव के अंदर जो भी प्लैनेट आकर बैठ जाएगा, जिस भी भाव का मालिक पहले भाव के अंदर आकर बैठ जाएगा, वो चीज़ आपको विरासत में मिलेगी, उस चीज़ के लिए आपको काम नहीं करना पड़ेगा। बट यहाँ पर ये पोजीशन थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है, क्योंकि तीसरा भाव जो है वही आपके एफर्ट्स का है, और एफर्ट्स का मालिक अगर पहले भाव के अंदर आ गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आप एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, बट वो एफर्ट्स करने में आपको इतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा। मतलब नाउ एफर्ट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, हर एक चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ एफर्ट से मिलेगी, बट आपके लिए कहीं ना कहीं एफर्ट करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके एफर्ट्स कम हो जाएंगे। पहले भाव के अंदर मालिक आकर बैठ गया है तीसरे भाव का, इसका मतलब हर चीज के लिए अब एफर्ट करना पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं आपके लिए बाकियों के मुकाबले एफर्ट करना थोड़ा इजी हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अष्टम स्थान का मालिक किसी का पहले भाव के अंदर आकर बैठा है, उसे आप कहिए कि 6 बजे उठना है, उसके लिए उठना उसको जान पे आएगा कि मैं किस तरीके से उठूं। तीसरे भाव का मालिक जब लगन के अंदर होगा, आप इसको बोलिए कि 6 बजे उठना है, ये उठ जाएगा, क्योंकि अब इसको पता है कि एफर्ट करना मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं, बट एफर्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कि अष्टम में जो पहला बैठा है उसको ईजिली चीज़ मिल जाए, तीसरे भाव का मालिक जिसका पहले में बैठा है उसको थोड़ा डिफिकल्टी के बाद थोड़ा एफर्ट्स के बाद मिले। सो एफर्ट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट। एक नेचुरल नैक होता है इनके अंदर हार्डवर्क करने का, ये बहुत अच्छा हार्डवर्क कर सकते हैं, और जो भी करते हैं बहुत पैशन के साथ करते हैं। आप इनको देखोगे कि काम पर जा रहे हैं तो इनका स्लोली एंड स्टेडली डेवलपमेंट होते जाता है, कहीं ना कहीं बहुत फास्ट डेवलपमेंट नहीं होता, बट पैशनेट होते हैं काम को लेकर और रेगुलर मेहनत करते हैं। देखिए, जो चीजें हमें बाहर से दिखती है कई बार वैसी नहीं होती है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। रोनाल्डो वर्सेस अगर आप मेसी देखेंगे तो हर एक को लगता है कि रोनाल्डो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, जो कि सही बात भी है, ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, दिस बाथ दैट बाथ, 18 आवर्स दिन के अंदर काम करना, 4-5 घंटे सोना, लॉट ऑफ थिंग्स। अगर मेसी की यहां पर बात करें तो लोग देखेंगे कि इतना एफर्ट नहीं हो रहा है, बट इजीली चीजें अचीव हो रही है। जेमिनी लगन की कुंडली यहां पर बनती है, तीसरे भाव के मालिक जो सूर्य है वो लगन के अंदर आकर बैठ गए अभी यहां पर। आप देखेंगे कि मेहनत के बिना इतना फ्लुएंसी नहीं आ सकता गेम के अंदर, बट अब यहाँ पर मेहनत करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। हो सकता है कि रोनाल्डो के लिए मेहनत करना थोड़ा डिफिकल्ट हो, वो उसने कष्ट के साथ या फिर एक डेडिकेशन के साथ वो मेहनत का जो रूटीन है वो बिल्ड किया हो। मेसी के लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होगा, जो लोग कहते हैं ना कि नेचुरल है, एक नेचुरल तरीके से उसका बॉडी है, एक नेचुरल तरीके से वो भागता है। मेहनत तो ऑफकोर्स करनी पड़ती है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई किसी फील्ड का अगर बादशाह है तो वो उधर ऐसे ही पहुंच गया तो इट इज़ इम्पॉसिबल। अगर कोई चीज़ में कोई बहुत ज़्यादा एक्सेल कर गया है वो कमाल है उस चीज़ का, मतलब ही इज़ अ जीनियस इन दैट फील्ड, बिना मेहनत के वो आ ही नहीं सकता। बट तीसरे भाव का मालिक पहले घर में होने के कारण आप देखेंगे मेहनत करना थोड़ा इजी हो गया है, एफर्ट ज्यादा भी अगर पुट इन कर रहे हैं यहां पर सो इट इज इजियर। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा पोजीशन है कि अगर आपको कोई स्किल डेवलप करनी है तो आप कर सकते हैं। मेसी का एग्जाम्पल इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स कि जहां पर आप देखेंगे मेहनत के थ्रू बहुत सारी चीजें होगी, बट लोगों को ऐसे लग रहा है कि मेहनत नहीं की, क्योंकि मेहनत करना बहुत ईजी हो गया है यहां पर। ऐसा जो इंसान होगा थोड़ा सा चाइल्ड लाइक होगा, लाइफ के अंदर दुख सिर्फ इसीलिए पाता है क्योंकि इमेच्योर डिसीजंस ले लेता है, लोगों पे बहुत इजीली भरोसा कर लेता है, क्योंकि वो चाइल्ड लाइक मर्क्यूरी की एनर्जी आपको बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पर देखने मिलेगी। तो यहाँ पर मेरा सजेशन यही होगा कि किसी पर भी भरोसा ना करें, स्पेशली अगर शुक्र तीसरे भाव का मालिक बनकर अगर लगन के अंदर आपका जाता है तो यहाँ पर देखने मिलता है कि आप कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप को ऐसे धोखा खाएंगे। तो जो प्लैनेट यहाँ पर आकर बैठा है उस प्लैनेट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ से धोखा खा सकते हैं। बट मोटी मोटी बात समझने की यह है कि इमेच्योर डिसीजंस नहीं लेने और किसी पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। हमेशा ऐसे लोगों को देखेंगे कि आसपास अपने दोस्त या फिर आसपास फैमिली मेंबर्स चाहेंगे, ये अकेले नहीं रह सकते, इनके लिए अकेले रहना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, दे विल ऑलवेज नीड पीपल अराउंड देम। तीसरे भाव का मालिक लगन में होता है, कंसल्टेशंस भी आती है, तो इनका पहला सवाल ये होता है कि मेरे दोस्त क्यों नहीं है। देखिए, कलयुग की बात ही ऐसी है कि सारे लोगों के इतने दोस्त नहीं बन पाते, बिकॉज दोस्ती एक बहुत ज्यादा प्योर कनेक्शन होता है और इतने लोगों को वो नहीं मिल पाता। तीसरे भाव का मालिक जब लगन के अंदर होता है ऐसे लोग बहुत ज्यादा इजीली हर्ट हो जाते हैं, और इजीली हर्ट होने के कारण फिर देन दे फेस द ट्रबल्स, क्योंकि चाइल्ड लाइक होता है, राइट, वो एनर्जी मर्क्यूरी की आपको जरूर देखने मिलेगी। ट्रैवल लाइफ का एक हिस्सा होता है कहीं ना कहीं, चाहे फिर वो आपका प्रोफेशन हो, चाहे फिर वो आपका कोई क्लोज वन हो जो आपके घर से दूर रहता हो, ट्रैवल आपके लाइफ के अंदर इंक्लूड होगा। जितना आप शॉर्ट टर्म ट्रैवल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। मैं एक रेमेडी यहाँ पर आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर तीसरे भाव का मालिक लगन के अंदर है आपके,
तो एक बात को समझिए यहाँ पर कि आपको सुकून शॉर्ट टर्म ट्रैवल से ही मिलेगा। जो भी प्लैनेट तीसरे भाव का मालिक बनकर लगन के अंदर बैठा है उसके डेस्टिनेशन पे आप चले जाइए, उस साइन के हिसाब से उस डेस्टिनेशन पर चले जाइए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तीसरे भाव का जो मालिक है वो चंद्रमा बन जाता है और पहले भाव के अंदर आकर चंद्रमा बैठ गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको लाइफ के अंदर एफर्ट्स के अंदर डिफिकल्टी आ रही है, कोई भी फील्ड भाग्य आपका राइज नहीं हो पा रहा है, कोई भी फील्ड के अंदर डिफिकल्टी आ रही है, कोई ना कोई वाटर बॉडी देखिए घर के आसपास, बीच होगा कहीं ना कहीं जाइए और 5-6 दिन वहाँ पर कोई ना कोई प्लेस रेंट करके वहाँ पर रहिए और सिर्फ मेडिटेशन कीजिए। देखिए तीसरे भाव को अगर आप प्रॉपर तरीके से बैलेंस करके रखेंगे आपके लिए एफर्ट करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो जो भी प्लैनेट आपके तीसरे भाव का मालिक बनता है वो लगन में आकर क्या स्थिति बना रहा है उसके हिसाब से अगर आप वो डेस्टिनेशंस पर जाएंगे घूमने के लिए या फिर यू नो थोड़ा समय बिताने के लिए तो आप बहुत ज्यादा बैलेंस्ड फील करेंगे। दूसरी रेमेडी यहाँ पर यह है कि तीसरे भाव के अंदर कारक ग्रह जो होता है वो मंगल बन जाते हैं। लाइफ के अंदर कोई भी कितने भी बड़ी प्रॉब्लम आए रेगुलर वर्कआउट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आप रेगुलर वर्कआउट नहीं करेंगे आप अपने आप को सही तरीके से फील ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि मंगल का एनर्जी यहाँ पर देखने मिलेगा। सो सेकंड रेमेडी फॉर यू गाइज इज कि कंटिन्यूसली आपको वर्कआउट करना चाहिए। तीसरे भाव का मालिक लगन के अंदर आपको स्पीच के अंदर कोई ना कोई एक स्पेशल इफेक्ट आपके ला कर देगा। स्पेशल इफेक्ट मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि तीसरा भाव आपके थ्रोट का होता है तो इनकी आवाज के अंदर कुछ ना कुछ मैजिकल होता है या फिर कुछ ना कुछ थोड़ा सा खराब भी हो सकता है जो लोगों को शायद ऑफेंड करते हैं क्योंकि तीसरा भाव अगेन वो इमेच्योर मर्क्यूरी है। ऐसे लोग बोलने से पहले अगर सोचेंगे नहीं तो रिश्ते यहाँ पर टूटेंगे। तो डिपेंड करता है कि मेलिफिक बन रहा है या बेनिफिक बन रहा है यहाँ पर तीसरे भाव का प्लैनेट, बट कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको एक स्पेशल फैक्टर आपको जरूर देखने मिलेगा यहाँ पर। देखिए कि तीसरे भाव का जो मालिक होता है वो लगन के साथ भी कनेक्ट हो जाए, वो अगर दसवें भाव के साथ भी कनेक्ट हो जाए तो इमिग्रेशन सर्विसेज हो गया, फॉरेन सर्विसेज हो गया, टूर एंड ट्रैवल का काम हो गया, इंटरनेट से रिलेटेड काम हो गया, कुरियर सर्विसेज से रिलेटेड अमेजोन FBA वगैरह हो गया, ये सब के अंदर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आपकी साइड हसल जो होगी वो ये होनी चाहिए जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग के पॉइंट में बताया कि आपको कहां पर हसल करना चाहिए ताकि आपको रिजल्ट मिल पाए। तो ये 3-4 फील्ड है जहां पर आपको हसल करना चाहिए, आप कुछ ना कुछ बिल्ड कर सकते हैं यहां पर इंटरनेट से रिलेटेड अगर राहु आपके कुंडली के अंदर इससे और ज्यादा कनेक्ट हो रहा है और 10th हाउस का मालिक भी अगर कनेक्ट हो रहा है। तो देखिए एक एग्जांपल है यहां पर बहुत अच्छा, कैरे मिनाटी की कुंडली के अंदर आप देखेंगे तीसरे भाव का मालिक एग्जॉल्ट होकर फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा हुआ है। तो यहां पर जो लगन कुंडली बन जाती है वो है टॉरस लगन की कुंडली, तीसरे भाव का मालिक यहां पर चंद्रमा बनता है, चंद्रमा पहले भाव के अंदर जाकर एग्जॉल्ट हो चुका है, दसवें भाव के अंदर शुक्र और राहु की युति यहां पर है। आप देखेंगे कि ये कुंडली के अंदर तीसरे भाव का मालिक लगन के अंदर आ गया तो सोशल मीडिया का होता है तीसरा भाव, तो सोशल मीडिया के थ्रू फेम गेन किया क्योंकि एग्जॉल्टेड बैठा हुआ है। बट आप देखेंगे कि क्यों फेम गेन किया यहां पर, आवाज की वजह से फेम गेन किया, राइट, जो बोलते हैं उसके वजह से फेम गेम किया। अब तीसरे भाव का मालिक लगन के अंदर चंद्रमा आकर बैठा है तो बोलने पर कंट्रोल नहीं है यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर फेम तो मिल गया तीसरे भाव का मालिक लगन के अंदर आकर, सोशल मीडिया के थ्रू फेम मिल गया, अपनी आवाज के थ्रू फेम मिल गया, आवाज के अंदर कोई ना कोई स्पेशलिटी आपको देखने मिली। बट यहाँ पर अपने को प्लैनेट को नहीं भूलना है, चंद्रमा के कारक तत्व को पकड़ेंगे तो बोलने के ऊपर कंट्रोल नहीं है, चंद्रमा छोटे बड़ा होता रहता है। आप देखेंगे कि चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर भी बैठेगा वहां पर आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी। लगन के अंदर का चंद्रमा है तो पर्सनैलिटी एक तो सबसे पहली बात की थोड़ी सी फ्लक्चुएटिंग हो गई, जो मन में आया वो बोल दिया क्योंकि तीसरे भाव का मालिक इमेच्योर मर्क्यूरी। मैं आपके साथ इतने डिटेल में इसीलिए बात करता हूं ताकि मैं चाहता हूं कि आप इस चीजों को समझें, प्लैनेट के साथ हाउस के कारक तत्वों को मिक्स करें और उसको मिक्स करके जब आप रिजल्ट देंगे तो आपको बहुत कुछ कुंडली के बारे में पता पड़ पाएगा। एंड देन कीप ऑन एडिंग डिफरेंट थिंग्स जैसे नक्षत्र, डिग्रीज, फिर बाद में कौन सा लगन किधर जा रहा है, D30, D4, जो भी सिचुएशन बन रही है बाकी चार्ट्स के अंदर। दिस इज हाउ यू शुड प्रिडिक्ट कि आप जब कारक तत्वों को मिक्स करते हैं तब आपको काफी कुछ पता पड़ जाता है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, उसी केस में अगर लियोनल मेसी की अगर हम बात करें तो तीसरे भाव का मालिक सूर्य बनता है, तीसरे भाव का मालिक सूर्य लगन के अंदर आकर बैठा हुआ है, अभी लगन के अंदर उच्च का जो घर है उसके अंदर आकर बैठा है और सूर्य की आप एक कैपेसिटी देखेंगे, सूर्य जो है वो बोले बिना काम करेगा, राइट, चंद्रमा है वो तो रानी है वो तो बोलेगी, आप देखेंगे कैरिमिनाटी केस में बोलकर काम होगा, मेसी के केस में देखेंगे कि इतना नहीं बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा, सूर्य की क्वालिटी वहां पर आ गई। तो प्लैनेट को हाउस के साथ मिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगेन कमिंग बैक टू द रेमेडीज, जो भी प्लैनेट आपके कुंडली के तीसरे भाव का मालिक बनता है उस जगह पर जाइए, उस जगह पर समय बिताइए, आपका बहुत यू नो आपको एक बहुत पीसफुल महसूस होगा। और सेकेंडली वर्कआउट करना यहाँ पर अटमोस्ट नेसेसरी है, मंगल यहाँ पर तीसरे भाव के कारक बनते हैं। थर्ड लॉर्ड इन सेकंड हाउस, अब यहाँ पर एक बात तो श्योर हो जाती है कि पैसा कमाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, पैसा बनाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा यहाँ पर, विदाउट काम किए आप पैसा नहीं कमा सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि मैं क्रिप्टो के अंदर पैसा डाल दूँ, स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा डाल दूँ और मैं बहुत बड़ा इनकम कहीं कमा लूँगा, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। छोटे मोटे गेन्स आप कमा सकते हैं, गोचर के ऊपर डिपेंड करता है। मोस्टली मैंने देखा हुआ है ऐसे जो लोग होते हैं वो छोटी चीज़ों से शुरुआत करते हैं और फिर धीरे धीरे कर ग्रोथ होती है उनकी। देखिए तीसरा भाव जो है वो एवर ग्रोइंग भाव है, वो कभी रुकता नहीं, वो हमेशा बढ़ते रहता है समय के साथ। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर लग्नेश भी तीसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाए तो ऐसा इंसान आप देखेंगे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ऐसा इंसान अच्छा दिखते जाता है, राइट, क्योंकि वो डेवलपिंग भाव होता है। यहाँ पर
प्लैनेट कौन सा रूल कर रहा है दूसरे घर को, वो भी देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के लिए। एग्जांपल को अगर आप समझ जाएंगे आप अपनी प्लेसमेंट को अच्छे तरीके से डिकोड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर पाइसिस लग्न की कुंडली बनती है। पाइसिस लग्न की कुंडली 12 नंबर से शुरू होती है। तीसरे भाव के जो मालिक बनते हैं वो यहां पर शुक्रदेव बनते हैं। टॉरस राशि तीसरे भाव के अंदर आ जाती है। टॉरस राशि का जो मालिक शुक्रदेव है वो दूसरे भाव के अंदर आकर बैठ गए जो कि एरीज राशि है। अब यहां पर दूसरी एक और राशि है जिनको शुक्रदेव डिनोट करते हैं, उस राशि को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको समझना है कि मैं कौन से डायरेक्शन में मेहनत करूं। तो यहां पर दूसरी जो राशि रूल करते हैं वो है लीब्रा। लीब्रा यहां पर अष्टम स्थान के अंदर पड़ती है। तो यहां पर आपके पास अब दो ऑप्शन आ गए कि आपको कहां कहां एफर्ट करने चाहिए। एक तो आप तीसरे भाव से रिलेटेड भी एफर्ट कर सकते हैं, एक सप्तम भाव से रिलेटेड भी एफर्ट कर सकते हैं। जहां पर बृहस्पति की दृष्टि है, जहां पर मोस्टली बेनिफिक एस्पेक्ट्स है, वो आपको एरिया चूज करना चाहिए, उस एरिया में आपको एफर्ट पुट इन करना चाहिए। तो तीसरे भाव का मालिक जब दूसरे भाव के अंदर आकर बैठा है तो आप देखेंगे ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट के अंदर काम कर सकते हैं, किसी को काम दिलवाना, ट्रैवल एजेंसी का काम कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स का काम कर सकते हैं, ऐसे लोग एब्रॉड एजेंसीज का काम कर सकते हैं अगर तीसरे भाव का मालिक दूसरे भाव के अंदर पॉजिटिवली आकर बैठा है। पर अगर यही ज्यादा पॉजिटिव पाइसिस लगने की कुंडली के अंदर अगर अष्टम स्थान का मालिक हो गया तो किस तरीके से आप पैसा कमाएंगे? आप अकल्ट के थ्रू पैसा कमाएंगे, आप टैरो रीडिंग के थ्रू पैसा कमाएंगे, आप माइनिंग के थ्रू या फिर जमीन के नीचे जो धन गड़ा हुआ है उसके थ्रू भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो कनेक्शन को यहां पर देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं कहना यह चाहता हूं आपको कि दोनों भावों के अंदर से कौन सा भाव पॉजिटिवली ज्यादा प्लेस्ड है, वो भाव से रिलेटेड आपको ज्यादा सिग्निफिकेशन यहां पर देखने मिलेंगे, उस एरिया में आपको एफर्ट करने चाहिए। अगर तीसरे भाव यहां पर अच्छा बैठा हुआ है तो आप ये कर सकते हैं, और अष्टम भाव अगर यहां पर अच्छा बैठा हुआ है तो आपको मैंने जो टैरो कार्ड वाली चीजें बताई, माइनिंग वाली चीजें बताई, आप वो कर सकते हैं। बट अगर ओवरऑल तरीके से देखेंगे तो ट्रैवल शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ हाउ यू अर्न मनी। अगर आप ट्रैवलिंग को अपने एक पार्ट के अंदर जोड़ देंगे अपने प्रोफेशन के, तो आप इजी ग्रोथ देखने मिलेंगी। तो देखिए तीसरा भाव जो है वो ऑलरेडी लॉजिस्टिक्स का ही होता है, वो आपके घूमने फिरने का होता है। तो ट्रैवलिंग से पैसा कमाना मैं यहां पर हमेशा लोगों को कहूंगा। और तीसरा भाव जो होता है वो सोशल मीडिया का भी होता है। तो अगर कुंडली में मैं देखता हूं किसी के राहु अगर अच्छे से बैठा हुआ है तो बिजनेस डेवलप किस तरीके से करना चाहिए, तो राहु की तरफ बढ़िए। केतु अगर बैठा हुआ है तो आपको किस तरीके से मार्केटिंग करनी चाहिए। तो यहां पर तीसरा भाव आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें बताता है कि क्या करना चाहिए ताकि आप ग्रो हो जाए। तो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो एग्जांपल को अगर आप एक दो बार सुनेंगे तो आप अपनी कुंडली को डिकोड कर पाएंगे। सेकंड थिंग यहाँ पर देखेंगे बहुत अच्छे मार्केटियर्स ऐसे लोग होते हैं, मार्केटिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है ओवर मार्केटिंग करने के चक्कर में खुद की लोगों को समझ में आ जाता है कि ये बेचने की कोशिश कर रहा है, ये यू नो ही इज जस्ट ट्राइंग टू सेल अस। आप देखेंगे शार्क टैंक के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो अपने प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा बेचने की कोशिश करते हैं, तो जेन्युइनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, वो इमैच्योर डिसीजन होता है कहीं ना कहीं इनका। देखिए तीसरा भाव का मालिक अगर अपने से 12वें जा रहा है, दूसरे भाव अपने से 12वां हो गया, राइट, सो 12th फ्रॉम इटसेल्फ, तो आपको स्पीच के वजह से यहां पर कुछ ना कुछ थोड़ा मोटा अप एंड डाउन देखने मिलेगा कि गलत जगह पर गलत टाइम पर गलत चीजें बोलना, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में ब्रेकेज, फैमिली की तरफ से आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने यहां पर मिल सकती है। देखिए दो जो लगन है खाली, एक तो टॉरस लगन और एक जेमिनी लगन, यहां पर आपको चीजें बहुत ज्यादा केयरफुली करनी पड़ेगी क्योंकि तीसरे भाव के मालिक सूर्य और चंद्रमा बनते हैं जो कि रॉयल साइंस है, राइट। तो रॉयल साइंस अगर तीसरे भाव के मालिक बनते हैं तो यहां पर एक ही है, दूसरा आपको एक दूसरा राशि नहीं मिल रहा है जहां से आप और सपोर्ट ले सकते हैं। तो इन केसेस के अंदर आपको बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए, बहुत सोच समझ के आपको एफर्ट देखना चाहिए, नक्षत्रों के अंदर घुसने की यहां पर जरूरत पड़ती है। देखिए एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह है कि तीसरे भाव का मालिक जब दूसरे भाव के अंदर जाकर बैठता है वो पर्टिकुलर प्लैनेट जिस लिविंग सिग्निफिकेशन को डिनोट करता है उधर आपको प्रॉब्लम देखने मिलती है। तो फॉर एग्जांपल अगेन कमिंग बैक टू द टॉरस असेंडेंट की कुंडली का एग्जांपल ले लेते हैं, तो तीसरे भाव के मालिक यहाँ पर बन जाते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव अपने से 12वें जाकर बैठे तो आप देखेंगे कि फादर को यहाँ पर पैसा कमाने में कष्ट हुआ, फादर अच्छे तरीके से पैसा नहीं बना पाए, या तो बहुत छोटी लेवल से शुरुआत करके बहुत आगे बढ़े। अगर यहाँ पर बेनिफिक एस्पेक्ट्स है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बन रहा है, जुपिटर साथ में आकर बैठ गया, तो कह सकते हैं कि फादर ने कुछ किया जीवन के अंदर या फिर पैसा बना पाए, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। बट अगर यहाँ पर नेगेटिव एस्पेक्ट बन जाता है, राहु का इन्फ्लुएंस आ जाता है, केतु का इन्फ्लुएंस आ जाता है, तो आप देखेंगे तीसरे भाव के मालिक सूर्य बनने के कारण सूर्य आपके फादर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए फादर पैसा नहीं बना पाए, राइट। अपने से 12वें चले गए ना, फादर की साइन से वो 12वें चले गए। तो इस तरीके से अगर आप कारक तत्व को जोड़ेंगे तो आप अपनी इनकम को भी डिनोट कर सकते हैं, आपके फादर लाइफ में क्या करते हैं उसको भी डिनोट कर सकते हैं, एंड लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन फिगर आउट। अब रेमेडीज की बात करते हैं कि आपको क्या रेमेडीज करनी चाहिए ताकि आपकी ये प्लेसमेंट पॉजिटिव तरीके से एक्ट कर पाए। तो अगर आपके फैमिली के अंदर कोई आउटिंग्स प्लान कर रहे हैं स्पेशली रिलीजियस प्लेसेस पे, जैसे कि चार धाम की यात्रा हो गई, केदारनाथ की यात्रा हो गई, पालीतना की यात्रा हो गई, कोई भी यात्रा हो गई, इसके लिए अगर आप अपना कंट्रीब्यूशन दें और ट्रिप्स प्लान करके दें सामने वाले को ताकि वो किफायती दाम के अंदर हो सके, ये बहुत अच्छी रेमेडी है। सेकेंड रेमेडी यहाँ पर यह है कि आप लोगों को काम दिलाने की कोशिश करिए। देखिए आसपास आपके बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो काम करना चाहते हैं बट जिसके पास काम नहीं होगा करने के लिए, तो डेली वेजेस पर अगर आप लोगों को काम पर लगवा पाएं किधर, आपके लिए एज अ बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कि कमीशन को कम से कम रखिए और मास बेस
लोगों को यू नो एम्प्लॉयमेंट ऑफर करने की कोशिश कीजिए किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर साइन करके। कंस्ट्रक्शन कंपनीज आप देखते होंगे कि दिन रात ये लोग लेबर का काम करते हैं और ये लोग अच्छे तरीके से पे नहीं हो पाते बिकॉज कमीशन बहुत ज़्यादा है होता है। मैंने देखा है यहाँ पर ही फॉरेन कंट्रीज में भी ऐसी सिचुएशन यहाँ पर देखने मिलती है। आपको क्या करना है अगर आपको ये प्लेसमेंट को पॉजिटिव बनाना है, आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है और ग्रो भी करना है, फैमिली लाइफ भी अगर आपको अच्छी चाहिए, तो यहाँ पर आप सेम कंपनी टाइप का एक मॉडल खोल लीजिए बट कमीशन बहुत कम रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को पैसा दीजिए। आप देखेंगे बहुत ब्यूटीफुली काम करेगा, स्पेशली अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड सैटर्न हो जाता है तो ये जो टेक्निक से बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। तो प्लैनेट पर डिपेंड करता है कि आपका क्या बिजनेस मॉडल होना चाहिए। सो दिस इज वन ऑफ द बिजनेस मॉडल जो मैं मेरे क्लाइंट्स को बताता हूँ और रिसर्च स्टडीज में जब बिजनेस डेवलपमेंट के लिए कोई आता है, सो आई सजेस्ट ऑल दीज थिंग्स। तो क्या होता है कि तीसरे भाव को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीसरे भाव का किस तरीके से धन आपको देगा तीसरा भाव। जो भी प्लैनेट बनता है उस प्लैनेट को लीजिए और उसके हिसाब से काम कीजिए। ये एम्प्लॉयमेंट वाला जो है दिस इज अ फ्री रेमेडी फॉर एवरीवन, ये सारे को करनी चाहिए। जितना आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करेंगे, लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उतना आपका दूसरा और तीसरा भाव पॉजिटिव होते जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा कि ट्रैवल, लॉजिस्टिक्स, एब्रॉड एजुकेशन सर्विसेज एक्सेट्रा में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं जहां पर लोगों को आप ट्रैवल से कहीं ना कहीं जोड़ रहे हैं। थर्ड लॉर्ड इन द थर्ड हाउस, इस प्लेसमेंट को मैं बहुत अच्छा मानता हूं। आप देखेंगे ये एफर्ट्स तो देता है इंसान को बट एफर्ट का रिजल्ट भी देता है साथ में। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखेंगे कि जो एफर्ट्स तो करते हैं बट उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता, डिजायर्ड रिजल्ट। यहां पर तीसरा भाव का मालिक जब तीसरे भाव के अंदर होता है तो आप जब एफर्ट्स करते हैं तब आपको रिजल्ट मिल पाता है उस चीज को और वो आपको डीप सेटिस्फैक्शन देता है। आप जरूर देखेंगे कि तीसरे भाव का मालिक जब तीसरे भाव के अंदर होता है ऐसे इंसान को एफर्ट करने में कई समय के बाद मजा आने लग जाता है। सो एफर्ट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ और रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ एफर्ट यहां पर करने चाहिए। देखिए यहां पर ये प्लेसमेंट बहुत स्पेशल हो जाती है, इट हैज समथिंग टू डू विथ योर हैंड्स। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत अच्छे गिटारिस्ट बन सकते हैं, पेनिस्ट बन सकते हैं, पेंटर्स बन सकते हैं, स्केचर्स बन सकते हैं, बीट बॉक्सर, मिमिक आर्टिस्ट, व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, इनके अंदर से कुछ ना कुछ एक चीज आपको फॉलो करनी चाहिए। आपका ऑनलाइन फेम का, एक ऑनलाइन सक्सेस का जो एक योग होता है वो बहुत प्रबल बनता है। लोग आपको देखना पसंद करेंगे, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। मोस्टली आप आर्टिस्ट देखेंगे तीसरे भाव का मालिक, तीसरे भाव के अंदर मिला बहुत अच्छे गिटारिस्ट आपको देखने मिलेंगे। अगर यहां पर शुक्र की एस्पेक्ट पड़ जाए तो बहुत अच्छा म्यूजिक सेंस आपको देखने मिलेगा। यहां पर मंगल की एस्पेक्ट पड़ जाए तो बहुत अच्छे रैपर्स आपको देखने मिलेंगे, जो एग्रेसिव रैपर्स होते हैं, बहुत अच्छे राइटर्स देखने मिलेंगे। ये शुक्र और मंगल का आपको यहां पर आपको एस्पेक्ट देखने मिल गया तो आपने देखा होगा कि आजकल जो नया जॉनर चल रहा है, जो किंग यूज करता है, जो बहुत सारे रैपर्स यूज करते हैं, मिक्सिंग म्यूजिकैलिटी एंड मिक्सिंग मेलोडी विथ रैप्स, ये भी आपको बहुत अच्छा देखने मिलेगा। सो यहाँ पर डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट है, आपको वो पर्टिकुलर आर्टिस्टिक फ्लेयर फॉलो करना चाहिए, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप वो फॉलो करेंगे आपको लाइफ में सेटिस्फैक्शन मिल पाएगा। तीसरे भाव का मालिक जब तीसरे भाव के अंदर होता है तब इनके लिए सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन इनकी हॉबी होती है। लाइफ के अंदर कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए, एक गिटारिस्ट को आप गिटार दे दो वो 3-4 घंटा बैठेगा, उसकी सारी प्रॉब्लम चली जाएगी। तीसरे भाव का मालिक तीसरे घर के अंदर, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। सो गेनिंग फेम थ्रू सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा योग बनता है। आपको कोई ना कोई सोशल मीडिया के अंदर यू नो एस्थेटिक का काम भी कर सकते हैं आप। इनको एस्थेटिक्स बहुत अच्छे समझ में आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी डालनी है तो तीसरे भाव का मालिक जब तीसरे भाव के अंदर होगा तब ऐसे लोगों को पता होता है कि मैं क्या फ्रेम यूज़ करूँ पोस्ट करने के लिए, कौन सा फिल्टर यूज़ करूँ, क्या मैं स्टिकर्स यूज़ करूँ, क्या इमोजीज यूज़ करूँ, किस तरीके से मैं उसको एस्थेटिक और एक यू नो एक आँख को आई कैची बना सकता हूँ कॉन्टेंट को। सो यू कैन ऑल्सो वर्क इन कॉन्टेंट क्रिएशन, दुनिया ही कॉन्टेंट क्रिएशन की। वीडियो एडिटिंग के अंदर भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्रिएटिविटी यहां पर ज्यादा एकदम अच्छी देखने मिलती है आपको। मोस्टली केसेस में आप देखेंगे कि तीसरे भाव का मालिक जब तीसरे घर के अंदर होगा तो ये सिबलिंग्स देता है। अगर स्पेशली यहाँ पर जुपिटर का एस्पेक्ट आ गया तो सिबलिंग्स देता है, 90% ऑफ द केसेस इट गिव्स सिबलिंग्स। जैसे ही आपका छोटा भाई या छोटी बहन पैदा होते हैं आप देखेंगे कि लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज आता है, फैमिली ग्रो करना शुरू हो जाती है एंड दैट स्मॉल सिबलिंग इज वेरी लकी फॉर यू एज वेल एज फॉर द फैमिली। आप जरूर देखेंगे तीसरे भाव का मालिक जब तीसरे भाव के अंदर होगा वो क्वालिटी आपको अपने सिबलिंग के अंदर देखने मिलेगी। फर्स्टली अगर शुक्र बैठा है तीसरे भाव का मालिक तीसरे भाव के अंदर, आप देखेंगे सिबलिंग जो होगा बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होगा, आर्टिस्टिक होगा, घूमने का बहुत ज्यादा शौक होगा, लग्जरी पसंद करने वाला होगा। तो बेसिक सिग्निफिकेशन आपको यहां पर देखने मिलेंगे सिबलिंग के अंदर। अपने सिबलिंग के साथ अगर अच्छा रिलेशनशिप होगा आप करियर में ग्रो होते जाएंगे। अगर सिबलिंग के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा छोटे भाई छोटे बहन के साथ तो आप देखेंगे यहां पर आपको करियर के अंदर कुछ ना कुछ इंस्टेबिलिटी देखने मिलेगी। ये पोजीशन को जज करने के लिए एक बहुत अच्छा टेक्निक है। तो जब कोई कंसल्टेशन मेरे पास आती है तब मैं उनसे जरूर पूछता हूं तीसरे भाव का मालिक तीसरे भाव के अंदर बैठा होता है ताकि मुझे ओवरऑल व्यू समझ आ पाए कि क्या हो रहा है कुंडली के अंदर। अगर ये तीसरे भाव का मालिक तीसरे भाव के अंदर बैठा हुआ है, मेलिफिक एस्पेक्ट नहीं है, तो भी अगर रिलेशनशिप खराब है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वहां पर वो चीजों को फ्री विल के थ्रू सही की जा सकती है। तो आप इस तरीके के प्रेडिक्शन से आप समझ सकते हैं कि फ्री विल कितनी है इंसान के पास और कितनी फ्री विल नहीं है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो छोटा सिबलिंग होता है आपका लाइफ के अंदर बहुत अच्छा करता है, करियर के अंदर बहुत अच्छा करता है, ऑलवेज ग्रोथ फेस के अंदर रहता है, वही आपका सपोर्ट सिस्टम बनता है आगे जाकर। स्पिरिचुअल ग्रोथ की अगर यहां पर बात करें तो स्पिरिचुअल ग्रोथ लेटर स्टेज में लाइफ के जाकर होती है।
बहुत सारे शॉर्ट टर्म ट्रैवल जैसे इंसान के होते हैं लाइफ के अंदर बहुत अच्छा ट्रैवल करने के लिए मिलता है। बहुत अच्छी रेमेडी यहाँ पर यह है कि किसी ना किसी का चार धाम का यात्रा आप स्पॉन्सर कर दो। देखिए रेमेडी किस तरीके से बनती है, कुंडली के अंदर ओवरऑल को देखना जरूरी है, बट सामने वाला शक्ति स्थान है उधर का अगर आपको सपोर्ट मिल गया तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तीसरे भाव का जो सप्तम स्थान बनता है वो नवम भाव बनता है, वो रेगुलर आपका तीर्थ स्थलों को रिप्रेजेंट करता है, रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है, और तीसरा भाव आपको ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है। हमने क्या किया, दोनों को अमालगमेट कर दिया। वॉट आई एम ट्राइंग टू टीच हियर इज टू हाउ टू क्रिएट द रेमेडीज फॉर अ चार्ट। प्लैनेट ज्वाइन करेंगे यहाँ पर और नक्षत्र ज्वाइन करेंगे तो परफेक्ट रेमेडी पर हम आ सकते हैं, बट मोटी मोटी अगर बात करें तो चार धाम की यात्रा, किसी को कहीं जाना है, कोई ओल्ड कपल है यहाँ पर सैटर्न का इन्फ्लुएंस आ गया तो आप किसी ओल्ड कपल जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए स्पॉन्सर कर दीजिए एक ट्रिप। साल की एक ट्रिप स्पॉन्सर करने में 25,000 से 30,000 रुपये लगता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इससे क्या है, पुण्य भी बढ़ेगा, इससे आपका कर्म भी अच्छा होगा। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड रेमेडीज। प्रैक्टिसिंग सम और दी अदर इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल रेमेडीज। अगर आप तीसरे भाव का मालिक तीसरे भाव के अंदर है, अगर आपको कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट स्केचिंग, कोई ना कोई आपको एक आर्टिस्टिक जो फ्लेयर है वो फॉलो करना ही चाहिए। आप जितना वो फॉलो करेंगे तीसरा भाव उतना बेटर होते जाएगा आपका। थर्ड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, देखेंगे एफर्ट करने के बाद हैप्पीनेस मिल पाती है। तीसरा भाव जो है वो आपके एफर्ट का है, चौथा भाव जो है वो आपके हैप्पीनेस का है। हैप्पीनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, तो एफर्ट काफी ज्यादा डालना पड़ता है हैप्पीनेस के लिए। बट यहाँ पर एक बात मैं जरूर आपको कहना चाहूंगा कि आपको 110% यहाँ पर हैप्पीनेस मिलेगी ही मिलेगी। क्यों हैप्पीनेस मिलेगी, चौथा भाव जो है वो तीसरे भाव से दूसरे पोजिशन पर बैठा है, गेन्स का पोजिशन है। जो भी दूसरा भाव होता है जिस भी भाव से वो उसका गेन्स होता है, राइट। तो तीसरा भाव जो है और चौथा भाव जो है, चौथा भाव तीसरे से दूसरा बैठा हुआ है तो हैप्पीनेस तो मिलेगी, थोड़ा एफर्ट्स आपको ज्यादा यहाँ पर डालना पड़ेगा, सुख मिलने के लिए एफर्ट्स थोड़ा ज्यादा है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कम ज्यादा की यहाँ पर बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एफर्ट्स की बात है। फॉर एग्जाम्पल जब हम छोटे होते थे तो बचपन में आप देखते थे घर के अंदर कोई भी एक नई डिश बनती थी या फिर कोई खाना बनाने, कोई नया क्यूजीन अगर बनने जाता होता था, या फॉर एग्जाम्पल पिज्जा बन रहा है घर के अंदर, तो बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो दो बच्चे हैं घर के अंदर, जो पहला बच्चा है जिसका लग्न लॉर्ड फोर्थ हाउस के अंदर है, दूसरा जो है जिसका तीसरे भाव का मालिक चौथे भाव के अंदर है। जिसका तीसरे भाव का मालिक चौथे भाव के अंदर है वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी मदर के साथ पूरा हेल्प करा रहा है, खाना बनाने के अंदर, सारे डिशेस क्लीन करने के अंदर, पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर वो काम कर रहा है और फिर उसको खाना मिलता है, ठीक है। और जो जिसका पहला भाव का मालिक चौथे भाव के अंदर बैठा है वो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो लिविंग रूम के अंदर बैठकर एसी चालू कर सिर्फ टीवी देख रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, और उसको भी खाना सेम ही मिल रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये दो सिनेरियोज है, पहले वाले ने मेहनत ज्यादा की उसको भी सेम ही फल मिला, और दूसरे वाले ने तो मेहनत ही नहीं की पर उसको भी सेम ही फल मिला। खाने की क्वांटिटी सेम थी, खाने का टेस्ट सेम था। तो कुंडली में ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कहीं ना कहीं कि चंद्रमा अफ्लिक्टेड है या फिर आपका तीसरे भाव का मालिक अफ्लिक्टेड है, टू चेक द रिलेशनशिप बिटवीन द मदर एंड द सन और मदर एंड द डॉटर। तो दोनों तरफ से आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने मिल सकती है, मदर के हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पर बढ़ सकते हैं जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है। बहुत अच्छी रेमेडी यहाँ पर यह है कि आपको किसी ऐसे एनजीओ के लिए काम करना चाहिए जो ऑर्फन बच्चों को एक घर दिलाते हैं। आपको पता होगा रोड पर आप बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखते हैं जिनके पास घर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, रोड पर बच्चे घूम रहे हैं, 3-3, 4-4 साल के बच्चे, बहुत दुख होता है ये सारी चीज़ें देखकर। तो अगर आप ऐसे एनजीओस के लिए काम करें जो इन बच्चों को इस जगह से उठाकर एक अच्छी लाइफ दे सकती है, अडॉप्शन सेंटर में डाल सकती है, जो अनाथ आश्रम होता है जहाँ पर बड़े लोग जिनके बच्चे नहीं हो रहे वो अडॉप्ट करते हैं इन बच्चों को, अगर आप इस फ्लेयर के अंदर काम कर पाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज फॉर थर्ड लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस। थर्ड लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, क्रिएटिविटी मैक्स। क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ट्राइंग मल्टीपल थिंग्स एंड देन सेटलिंग डाउन इन लाइफ। ये लोग बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं क्योंकि इनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बैठ नहीं सकते एक जगह पर, कुछ ना कुछ इन लोगों को चलना ही चाहिए। आपने देखा होगा कुछ लोगों को जो अपने हाथ से हमेशा फिजिट करते रहते हैं, अपने पेन से हमेशा फिजिट करते रहते हैं। आपको जरूर तीसरे भाव का संबंध कहीं ना कहीं पंचम स्थान से, दशम स्थान से, दूसरे भाव से और अष्टम स्थान से देखने मिलेगा। मैंने बहुत बार नोटिस किया है कुछ लोग होते हैं जो अगर मर्क्यूरी यहाँ पर आ गया तो पेन को ऐसे ऐसे करना, जैसे ये पेन के साथ जो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ये सिचुएशन आना, तो जो भी प्लैनेट बैठा होगा उसके स्केल से करना। तो यहाँ पर आपको ये छोटी छोटी चीजें भी देखने मिलेगी, फिजिटिंग विद द ऑब्जेक्ट्स, एक तो ये क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है, दिमाग शांत नहीं रह पाता, मल्टीपल चीजें लाइफ के अंदर ट्राई करते हैं। मैं एक वीडियो क्लिप यहाँ पर ऐड करूंगा ताकि आपको ये सिचुएशन अच्छे तरीके से समझ में आए। मैं खुद बताऊं तो मैं 10 ईयर्स जब था 10 साल का तब मैं यूट्यूब ट्राई किया, फिर मैं गेमिंग में एंटर किया, फिर मैंने ई-स्पोर्ट्स भी खेला, फिर मैं एक सर प्रोफेशनल लेवल अंडर 16 क्रिकेट करियर भी चूज किया था मैंने, वहां पर सर ड्यू टू फिजिकल इश्यूज वहां पर मैं नहीं कर पाया। बाकी सर अब मैं आया हूँ इस डिजिटल मार्केटिंग के एरा में, यहाँ पर सर 3-4 सोर्सेज ऑफ इनकम ऑलरेडी मैंने बिल्ड कर लिया, जिससे कि मेनली मेरा 50-1 लाख रुपीज महीने का जनरेट होता है। तो बेसिकली दीज पीपल आर जैक ऑफ ऑल। आप देखेंगे कि ऐसे जो लोग होते हैं किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं 1-2 घंटा, आप इनको कोई भी टॉपिक दे दो, पॉलिटिक्स उठाकर दे दो, रिलीजन उठाकर दे दो, हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज होना और हर एक चीज़ के बारे में बात करना, अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर अडैप्टेबिलिटी। देखिए अडैप्टेबिलिटी से मेरा मतलब ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये आपके लाइफ का, कि आप कहीं नए लोकेशन पर चले गए, आपने जॉब चेंज कर दी, आपके बॉसेस चेंज हो गए, ये सिचुएशन के अंदर बहुत जल्दी अडैप्ट करने की कोशिश कर जाते हैं कहीं ना कहीं, और इनके क्रिएटिव स्किल्स आपको देखेंगे ऑन पॉइंट होते हैं।
क्रिएटिव प्रोफेशन फॉलो करने के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. यू कैन बी वेरी गुड आर्टिस्ट, वेरी गुड सिंगर्स, वेरी गुड मिमिक आर्टिस्ट. कोई भी क्रिएटिव प्रोफेशन आप अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं. तीसरे भाव का मालिक पंचम भाव से जुड़ा है और उसका एस्पेक्ट आपके ग्यारहवें भाव पर जा रहा है. तो क्रिएटिव प्रोफेशन से पैसे कमाने के लिए भी बहुत अच्छा है. बट जरूर एक बात मैं आपसे कहूंगा कि दशम स्थान के ऊपर एक झलक डालना ना भूलें, बिकॉज दशम स्थान आपके ओवरऑल प्रोफेशन को बताता है, ओवरऑल के कर्म को बताता है. अगर वो कर्म इस चीज से ज्वाइन हो गया तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट हो जाती है क्रिएटिव प्रोफेशन को फॉलो करने के लिए. एक प्रोमिनेंट ट्रेट आपको यहाँ पर देखने मिलेगा. सो द ट्रेट इज के आपके पार्टनर के साथ अगर आपका प्यार बढ़ रहा है, रिलेशनशिप के अंदर सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है, तो आपके सिबलिंग के साथ आपका रिलेशनशिप और वो कम होते जाएगा. सो इट इज, इट ऑलवेज गोज यू नो वाइस वर्सा. तो आप देखेंगे कि रिलेशनशिप अगर सिबलिंग के साथ अच्छा है तो मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने मिलेगा, और अगर मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है तो सिबलिंग के साथ कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देखने मिलेगी. और तीसरे भाव का मालिक जब पंचम भाव के साथ कनेक्ट हो जाता है, इसका मतलब कि सिबलिंग भी आपको पास्ट लाइफ से मिला हुआ, तो सिबलिंग के साथ कनेक्शन मोस्ट प्रोबेबली अच्छा देखने मिलता है यहाँ पर. तो इंसान को कहीं ना कहीं ये मेंटली अफेक्ट कर सकता है. तो यहाँ पर मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है लोगों को कि एक बात, एक दायरा बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम्स दिख रही है वहाँ पर अगर आप दायरा बना दो, वहाँ पर अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, तो ये बेस्ट चीज़ें होती है. सी, देर इज़ अ वेरी गुड क्वोट. ये क्वोट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. पीपल कैन ओनली हर्ट यू इफ़ यू लेट देम हर्ट यू. आपको कोई हर्ट तभी कर सकता है जब आप किसी को अपने ताले की चाबी दें, और फिर ही वो आपको हर्ट कर पाएगा. अगर आप किसी को अथॉरिटी और किसी को पावर ही नहीं देंगे तो यू नो नो बडी कैन हर्ट यू. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अगर तीसरे भाव का मालिक पंचम के साथ कनेक्टेड है तो एक दायरा बना दीजिए. अपने पार्टनर को कहिए कि सिबलिंग के साथ इन्वॉल्व ना हो, सिबलिंग को कहिए कि पार्टनर के साथ इन्वॉल्व ना हो. आपने एक दायरा बनाना इंपॉर्टेंट है. प्राइवेट स्पेस देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं चीज़ें. एस्ट्रोलॉजी के अंदर मैनेज करने के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है. दूसरी बात यहाँ पर यह है कि एक प्रोक्रेस्टिनेशन का आपको ट्रेड जरूर यहाँ पर देखने मिलेगा. पंचम भाव जो है वो आपको चीज़ें मिली हुई चीज़ें हैं पास्ट लाइफ के अंदर. लगन से डिपेंड करता है यूटिलाइज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पर पिछले जन्म से चीज़ें मिली हुई है. अगर प्लैनेट अच्छे सिचुएशन में बैठा है मतलब अच्छी चीज़ें मिली है, खराब सिचुएशन में बैठा है मतलब खराब चीज़ें मिली है. तीसरे भाव का मालिक जो आपके एफर्ट्स का मालिक है, पंचम भाव के साथ कनेक्ट होने पर आपको अपनी जो स्किल्स हैं वो आपको पिछले जन्म से मिली हुई है. तो इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे तो ऑलरेडी सब कुछ आता है, और वो आता है कि चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंस देखने मिलता है, और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में फिर बाद में प्रोक्रेस्टिनेशन देखने मिलता है. सो दिस इज द मेजर रीजन फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन, के लेट सक्सेस लाइफ के अंदर मिलना. अगर आपने इस प्रोक्रेस्टिनेशन को, आदत को सुधार दिया, तो आप बहुत अर्ली सक्सेस पर भी आ सकते हैं. दिस इज अ कॉम्बिनेशन वेयर यू कैन गेट सक्सेसफुल एट द एज ऑफ 26-27 एज वेल, अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करें तो. क्योंकि देखिए, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं कर रहे हैं और आपको कोई स्किल्स पास्ट लाइफ से मिली हुई, तो आपके लिए अडैप्ट करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा. एंड मोर इजियर इट गेट्स फॉर यू टू अडैप्ट सर्टन थिंग्स, द मोर फास्टर यू विल ग्रो. तो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है. एक और यहाँ पर एक ट्रेड देखने मिलता है कि राहु अगर इस प्लेसमेंट के साथ कनेक्ट हो जाए कहीं ना कहीं, तो इंसान के डिजायर्स बहुत एक्सट्रीम बड़े हो जाते हैं, और फिर से वो प्रोक्रेस्टिनेशन पे ही बात आ जाती है. तो डिजायर्स बड़े तभी देखने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आगे जाना चाहिए आपको. 100 मील दूर का मत सोचे, टेक वन फुट एट अ टाइम, धीरे धीरे कर आगे बढ़िए. और एक एक स्टेप जैसे जैसे आप अचीव करते जाएंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें मिलती जाएंगी. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो तीसरा भाव है, वो स्लो ग्रोथ होगा बट लॉन्ग टर्म के लिए वो ग्रोथ होगा. तो लॉन्ग टर्म विजन रखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. थर्ड लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस. अब आप देखेंगे ये पूरा का पूरा जो डोमेन है ये मर्क्यूरी का डोमेन हो जाता है. तीसरा भाव जो है जिसको मर्क्यूरी रूल करते हैं, छठा भाव है जिसको मर्क्यूरी रूल करते हैं. तीसरे भाव का मालिक अपने से 4 स्टेप्स दूर, अपने से चौथे स्थान पर दूर आकर छठे भाव में बैठ चुका है. देखिए, मर्क्यूरी की एनर्जी यहाँ पर आपको बहुत प्रोमिनेंट देखने मिलेगी कहीं ना कहीं. इसीलिए कुंडली के अंदर अगर मर्क्यूरी आपके तीसरे भाव का मालिक नहीं बनता है, तो ओवरऑल सिचुएशन को जज करने के लिए मर्क्यूरी को देखना पड़ेगा. अगर कुंडली में मर्क्यूरी पॉजिटिवली बैठा है और अगर डिग्निटी अच्छी है मर्क्यूरी की, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छे से काम करेगा. अदरवाइज आपको ये कॉम्बिनेशन के अंदर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने मिलेगी. देखिए, मर्क्यूरी बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट हियर. इंसान बहुत ज्यादा लॉजिकल होता है, हर चीज को बहुत ज्यादा लॉजिक के थ्रू सोचने की कोशिश करता है, और स्पिरिचुअलिटी को कहीं ना कहीं थोड़ा कम प्रेफरेंस देता है. देखिए, तीसरे भाव का मालिक छठे के अंदर आकर बैठ गया, 12वें को एस्पेक्ट कर रहा है. आपको एट द एंड ऑफ द डे जो सपोर्ट मिलने वाला है वो स्पिरिचुअलिटी से ही मिलने वाला है. तो प्रभु के अंदर मानना, प्रभु की भक्ति करना, और अपने थोड़े से लॉजिकल माइंडसेट को कम कर थोड़े चंद्रमा की तरफ बढ़ना, ये बहुत अच्छी रेमेडी है आपके लिए. देखिए, रेमेडीज मैं आपको पहले इस वीडियो के अंदर बताना चाहूंगा, बिकॉज रेमेडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली ये प्लेसमेंट के लिए, भले ही कैसे ही कितने भी अच्छे डिग्निटी में बैठा हो. तो देखिए, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, हमें यहाँ पर कर सकते हैं चंद्रमा को मजबूत. 70% आपके बॉडी के अंदर पानी होता है. 70% ऑफ योर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर विच रिप्रेजेंट्स मून इन योर बॉडी. अगर यहाँ पर इंसान बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाए और फिर, तो फिर वो इमोशनल डिसीजंस नहीं ले पाता. आप देखेंगे, अगर आप
चंद्रमा को बैलेंस करेंगे, हाइड्रेटेड रहेंगे। चंद्रमा देवता की अगर आप यहाँ पर प्रेयर्स करेंगे, आप देखेंगे कि आप लॉजिकल और इमोशनल साइड को अपने बैलेंस कर पा रहे हो। इमोशनल क्वेश्चन को और इंटेलिजेंट क्वेश्चन, IQ और EQ जिसे हम कहते हैं, उसका बैलेंस इधर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा को प्रबल करने की वजह से आपको ये अच्छा रिजल्ट एक देखने मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे, तीसरा भाव जो है वो आपके पेपर डॉक्यूमेंट्स का भी, आपके टाइपिंग का है। सी, फोर्थ हाउस से आप देखते हैं कि आपको कोई धोखा देगा या नहीं देगा आपके प्रॉपर्टी के अंदर, पर थर्ड हाउस से वो डॉक्यूमेंटेशन शुरू होता है और फोर्थ हाउस के अंदर वो डॉक्यूमेंटेशन आकर एक प्रबल तरीके से दिक्कत आता है जहां पर आप वो प्रेजेंट करते हैं। मैं जो भी कह रहा हूं बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तीसरा भाव जो है वो आपके टाइपिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स है। जब आप लॉयर के पास जाते हैं, जब आप एडवोकेट के पास जाकर आप बोलते हैं कि मुझे ये टाइप का डॉक्यूमेंट बनाना है, तो दैट द स्टार्ट ऑफ दैट डॉक्यूमेंटेशन इज थर्ड हाउस। तीसरे भाव का मालिक आपका रोग ऋण शत्रु के अंदर आकर बैठ गया है, मतलब डॉक्यूमेंट सही तरीके से ना करने की वजह से आपके एनिमीज आप पर हावी हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। छोटे सिबलिंग जो है उसका भी भाव आपका तीसरा भाव होता है, तो आप देखेंगे कोर्ट केस हो जाता है कहीं दो भाइयों के बीच में। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से नहीं किया होगा, तो छोटे भाई आप पर केस कर सकते हैं, आप छोटे भाई पर केस कर सकते हैं, इसका यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनता है। तो कोर्ट केसेस की वजह से प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं रुक जाना, प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। तो डॉक्यूमेंटेशन का काम आपको बहुत परफेक्टली करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन में वो जो लॉजिक है कंप्लीटली यूज कीजिए और उसको सही तरीके से एनहांस करने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करना पड़ सकता है अपने जॉब के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर, बट यू नो एफर्ट्स विल रिक्वायर अ लिटिल बिट मोर एफर्ट्स, बट एवरी एक्स्ट्रा रेप विल काउंट। आप जैसे जिम के अंदर जाते हैं, वो एक एक्स्ट्रा रेप होता है वो आपको सेटिस्फेक्शन देता है, सो एफर्ट्स विल काउंट। थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट आपको करना पड़ सकता है। दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर डूइंग अ जॉब एट दी फर्स्ट एंड देन अ बिजनेस, अगर बिजनेस का योग कुंडली में बनता है तो मैं जरूर कहूंगा इनिशियल ईयर्स जो होंगे आपके, तब आप जॉब से शुरुआत कीजिए, जॉब करने की कोशिश कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा आप काम कर पाएंगे आगे जाकर। बिकॉज तीसरा भाव और छठा भाव जब मिल जाता है, तब आपका हॉबी और प्रोफेशन जो है, आपकी जॉब वो मिल चुकी है, तो आप अपने जॉब को अगर एक प्लेफुल तरीके से करने की कोशिश करेंगे, क्रिएटिव बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, तो आपको एक बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा। देखिए, तीसरे भाव का जो बुध है और छठे भाव का बुध है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा अंतर आपको देखने मिलेगा। जैसे अंतर आपको जेमिनी और वर्गो में देखने मिलता है। जेमिनी के अगर आप आदमी को देखेंगे तो वो सब चीज दिमाग में रखेगा, ज्यादा कुछ नोट डाउन करने की कोशिश नहीं करेगा। वर्गो का आदमी होगा वो हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करेगा। उसी तरीके से आप देखते हैं तीसरे और छठे के कॉम्बिनेशन के बीच में ऐसा इंसान जो होता है वो बहुत सारे वर्बल कमिटमेंट्स दे सकता है, वो बहुत सारे ऐसे कमिटमेंट कर सकता है अपने कंपनीज में या फिर अपने फैमिली के अंदर जो वो फुलफिल ना कर पाए। देखिए, एक बात समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तीसरे भाव से जो 12th हाउस पड़ता है वो आपका दूसरा भाव पड़ता है। फैमिली के साथ यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने मिलती है, सिबलिंग्स के साथ भी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने मिलती है, तो ओवर कमिटमेंट ना करें। इसका खास ध्यान रखें कि आप जितना कर सकते हैं, आपकी जितनी कैपेसिटी है, आप जितना दे सकते हैं उतना ही दीजिए, उतना ही कमिट करने की कोशिश कीजिए। एक्स्ट्रा कमिटमेंट आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डाल सकता है, सो डोंट डू एक्स्ट्रा कमिटमेंट्स। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जहां पर आप लॉयर्स का काम कर रहे हो, जहां पर आप एडवोकेट का काम कर रहे हो, सेटलमेंट का काम कर रहे हो, ये सारी चीजों के लिए बहुत अच्छा है। जितना आप अपने कम्युनिकेशन को डेवलप करेंगे, जितना आप अपने बुध को एनर्जी देंगे, उतना आपके लिए ये बेटर तरीके से काम करेगा। एक और रेमेडी मैं यहां पर सजेस्ट करना चाहूंगा, बुध का कारक तत्व इतना बढ़ गया है, विष्णु भगवान की यहां पर आप पूजा आराधना कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए पहला तो, दूसरा अपने दोस्तों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट ना कीजिए, तीसरा यहां पर ट्री प्लांटेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर जाकर जॉइन, ट्री प्लांटेशन जितना कर सकते हैं उतना ट्री प्लांटेशन करिए। छोटी जो बच्चियां होती है स्पेशली ऑर्फेनेज के लिए, उनके लिए भी डोनेशन यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। देखिए, ओवरऑल इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि डॉक्यूमेंटेशन का एक पार्ट, फैमिली का एक पार्ट, ये दोनों पार्ट में आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी। और सॉल्यूशंस कहाँ पे? सामने वाला जो सप्तम भाव है, 12वां स्थान, स्पिरिचुअलिटी इज द सॉल्यूशन। तो लाइफ में एट द एंड ऑफ द डे आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा अगर आपको अपनी प्रॉब्लम से दूर जाना है तो। थर्ड हाउस लॉर्ड इन द 7th हाउस। देखिए, मैरिज के लिए इतना अच्छा सेटअप नहीं है, यहाँ पर आपको मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स देखने मिल सकती है, और मैं आपको एक डिटेल्ड ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से प्रॉब्लम शुरू होती है ताकि आप उस पर काम कर पाएं। देखिए, तीसरा भाव जो है वो इमेच्योर मर्क्यूरी का होता है। जो भी प्लैनेट यहाँ पर बैठेगा वो थोड़ा थोड़ा मर्क्यूरी के ट्रेड्स लेने की कोशिश करेगा। आपको कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम शुरुआत होते नहीं दिखेगी शादी के अंदर, छोटी छोटी प्रॉब्लम से शुरुआत होंगी, जैसे टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो पाना, घर पर चीज़ें सही तरीके से नहीं रखी हुई है, बेड बहुत बिखरा हुआ है इसीलिए झगड़े हो जाना, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से झगड़े हो जाना। और फिर दूसरा स्टेप आप देखेंगे झूठ बोलने की वजह से झगड़े होना। तीसरा भाव जो है मर्क्यूरी का है, राइट, झूठ बोलना, यहाँ पर पार्टनर भी झूठ बोल सकता है, आप भी झूठ बोल सकते हैं, पार्टनर भी झूठ बोल सकता है, डिपेंड करता है कि क्या प्लैनेट किस तरीके से पोजीशन बन रही है। तो झूठ बोलने की वजह से झगड़े होना, तो छोटी छोटी चीजें होती है वही आगे जाकर बड़ी चीजें बन जाती है इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के अंदर। तो मैं कहता हूं कि ये कॉम्बिनेशन जब बनता है तब एक तो ट्रूथफुल रहना है, ऑनेस्ट रहना है पहली बात, और दूसरी बात कुंडली मिलान करके आपको शादी करनी चाहिए। शादी करने के लिए थोड़ा सा अच्छा सेटअप नहीं है, वैसे भी डायवोर्स को बताता है, अगर शुक्र भी खराब हो जाए,
कंप्यूटर भी खराब हो जाए तो यहाँ पर कोई ना कोई बेनिफिक आस्पेक्ट होना जरूरी है। देखिए ये एक और एक्सट्रीम केसेस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर राहु केतु आकर बैठ जाए तीसरे भाव के मालिक के साथ, तो कभी कभी इंसान को पता नहीं होता कि उसका पार्टनर गे है या लेस्बियन है। मैं आपको बहुत रिसर्च के बाद ये बात बोल रहा हूँ, बिकॉज आप देखेंगे यहाँ पर आजकल आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, स्पेशली शादी का जब मैटर होता है, सो यू वोंट बी एबल टू ट्रस्ट द अदर पर्सन, राइट? अंदर से कौन क्या है वो पता नहीं होता। तो ये भी आपको एक सिचुएशन देखने मिल सकती है कि सीक्रेटिव मैरिज या फिर कोई सीक्रेटिव टेंडेंसी है पार्टनर के बारे में जो आपको नहीं पता है, तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना चाहिए। सिबलिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मैरिज के लिए, सिबलिंग के फेमस होने की, अगर आपका छोटा भाई या बहन है तो उनके फेमस होने के यहाँ पर योग बन जाते हैं। अगर सूर्य यहाँ पर आस्पेक्ट डाल दे या सूर्य अगर साथ में आकर बैठ जाए तो सिबलिंग आपका फेमस होगा। सिबलिंग के साथ अच्छा जमने का भी ये योग होता है, लेटेस्ट स्टेज पर जाकर थोड़ा डगमग हो सकता है, बट सिबलिंग के साथ रिलेशनशिप अच्छा बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप शादी करेंगे और अगर आपके छोटे भाई बहन हैं, अगर आपके छोटे भाई बहन उस शादी के अंदर आते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा लक फैक्टर होगा। देखिए तीसरे भाव को वहां पर आप इनवाइट कर रहे हैं सप्तम भाव से, तो एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अ ब्यूटीफुल कनेक्शन। तो आपका जो सिबलिंग होगा छोटा सिबलिंग, वो अगर आपके शादी के अंदर आएगा, लोगों की हेल्प करेगा, डांस करेगा, एंड यू नो जो शादी के अंदर संगीत वगैरह होता है, द मोर ही विल बी इन्वॉल्व इन योर मैरिज, योर मैरिज विल बिकम मोर फ्रूटफुल। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेमेडीज जो तीसरे भाव और सप्तम भाव पे कनेक्ट करने पर आपको दिखेंगी। देखेंगे यहाँ पर सिबलिंग जो होगा आपका छोटा वाला और आपको स्पाउस जो होगा उसके अंदर आपको सिमिलैरिटीज यहाँ पर देखने मिलेंगी कुछ ना कुछ तरीके से। तो आप देखेंगे कि सिबलिंग के साथ तो आपने एडजस्ट कर लिया बिकॉज इज योर सिबलिंग, बट स्पाउस के साथ एडजस्ट करने में यहाँ पर डिफिकल्टी आ रही है, ये आपको जरूर देखने मिलेगा। कुंडली मिलान इज ऑफकोर्स हियर नेसेसरी। तो इमेच्योर डिसीजन इन मैरिज, इमेच्योर डिसीजन से मेरा मतलब यह है कि बिना सोचे समझे शादी कर लेना, ऐसे लोगों को कोई पसंद आ जाता है और तुरंत शादी कर लेते हैं। देखिए कितनी ताजुब की बात है, तीसरा भाव जो है और पंचम भाव को अगर आप देखेंगे तो थ्री पोजीशंस अवे, और पंचम भाव से सप्तम भाव को देखेंगे अगेन थ्री पोजीशंस अवे, तो थ्री थ्री का आपको यहाँ पर फैक्टर देखने मिलेगा। तो तीसरा जो भी आपके भाव से तीसरा भाव होगा उधर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो स्ट्रगल क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि लव मैरिज कर ली यहाँ पर, कहीं ना कहीं जाकर घर से भाग कर शादी कर ली या फिर इमेच्योर डिसीजन ले लिए शादी के बाद। आपने बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा होगा कि घर से भाग कर लड़कियां या फिर लड़के शादी कर लेते हैं और बाद में जीवन भर रिग्रेट करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स की यहाँ पर ब्लेसिंग नहीं होती है कहीं ना कहीं। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। तीसरे भाव से अगर तीसरा भाव देखेंगे तो पंचम भाव बन गया आपके लव रिलेशनशिप का, उससे तीसरा भाव अगर आप देखेंगे एक और स्ट्रगल का वो मैरिज का, और मैरिज से अगर तीसरा भाव देखेंगे तो फिर आपके फादर का भाव बन जाता है विच इज द नाइन्थ हाउस। तो आप एक स्टोरी फॉर्म कर सकते हैं इस कुंडली के अंदर के फादर ने तो ना बोला था मैरिज के लिए बिकॉज फादर वॉज एस्पेक्टिंग योर थर्ड हाउस, बट माने नहीं, लव रिलेशनशिप के चक्कर में पड़े, फिर उसके वजह से स्ट्रगल बढ़ गया। तो कुंडली के अंदर ऐसे साइकिल्स चलते होते हैं। अगर आप इसको ब्यूटीफुल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस, कि कुंडली के अंदर एक सर्किट होता है हर एक कुंडली के अंदर, अगर वो सर्किट एक तरीके से मैच हो गया तो आप गलत डिसीजंस लेते हैं। तो इस तरीके का सर्किट भी बन सकता है, देयर आर मेनी सर्किट्स विच कैन बी फॉर्म्ड इन अ हॉरोस्कोप, तो सर्किट को देखना इंपॉर्टेंट होता है। सो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। तो मैरिड लाइफ के अंदर बहुत ध्यान से आपको सिचुएशन हैंडल करनी चाहिए, कुंडली मिलान करके ही शादी करनी चाहिए आपको। ये सेटअप के अंदर थर्ड लॉर्ड इन सेवंथ हाउस के अंदर मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि पार्टनरशिप के लिए आपको नहीं जाना चाहिए। वैसे ही मैरिड लाइफ के अंदर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपको देखने मिल रहा है, पार्टनरशिप के अंदर भी आपको वही सिचुएशन देखने मिल सकता है, अनलेस एंड अंटिल सेवंथ हाउस का लॉर्ड फिनोमिनल पोजीशन में हो, एग्जॉर्टेड हो, दिग्बली होकर बैठा हो, वर्गोत्तम होकर बैठा हो, डिग्निटी वाइज अच्छा बैठा हो, शडबल अच्छा हो। कुछ सिचुएशन अगर अच्छी बन रही है तो बात अलग है, तो वो एफर्ट्स आगे जाकर रिजल्ट भी लाएंगे, नहीं तो एफर्ट रिजल्ट नहीं लाएंगे, आपका खामखा टाइम वेस्ट होगा। देखिए एक बात यहाँ पर है कि आप अगर अपने स्किल के थ्रू कुछ दिखाना चाहते हैं, लोगों को फेमस होना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छा योग है। तीसरा भाव आपके स्किल का है, सप्तम स्थान पब्लिक डोमेन का है, अपनी स्किल्स लोगों के सामने दिखाइए। बट इसके पीछे कॉन्सेप्ट यह है कि वो आपको फेम क्यों देगा, क्योंकि तीसरे भाव का मालिक जब सप्तम स्थान के अंदर आकर बैठेगा वो लगन पे दृष्टि डालेगा, तो आप अपने एफर्ट्स की वजह से जाने जाओगे। आप देखेंगे वो प्लैनेट बहुत प्रोमिनेंटली प्लेस आपको सिचुएशन देखने मिलेगा। फॉर एग्जांपल तीसरे भाव का मालिक अगर यहाँ पर जुपिटर बन जाता है, तो जुपिटर तीसरे भाव का मालिक बन के सप्तम स्थान के अंदर आकर बैठ गया, लगन पे एस्पेक्ट डाल रहा है, तो लोग बोलेंगे कि इसके पास बहुत नॉलेज है बट इसने नॉलेज के लिए स्ट्रगल किया है। सो दैट स्ट्रगल का जो पार्ट है, पीपल विल रिकग्नाइज दैट पार्ट। अगर सूर्य ऑफकोर्स देखना है, बट दैट रिकग्निशन बिकॉज ऑफ योर स्ट्रगल कैन बी सीन, दैट इज द रीजन यू वुड बी सीन इन द पब्लिक डोमेन। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो कि लगन के ऊपर जो आस्पेक्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये आदमी की पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं एनहेंस करती है। यहाँ पर बहुत अच्छी रेमेडी है, और एक बहुत स्पेसिफिक रेमेडी मैं आपको देना चाहूंगा कि जो आर्टिस्ट हैं, जो आर्टिस्ट मैनेजमेंट की टीम होती है उसके अंदर आप काम कर सकते हैं। बेसिकली यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट द आर्टिस्ट विद द पीपल हु नीड द आर्टिस्ट। तो आप ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन का काम कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे कहीं कंपनी बना सकते हैं जहां पर किसी का शादी है और कोई सिंगर्स है, कोई डांसर्स है, तो आपने क्या किया कि वो सिंगर्स और डांसर्स को पैसा नहीं मिल रहा है, तो आपने वो शादी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ जुड़वा दिया, तो वो उधर जाकर परफॉर्म कर रहे हैं, समथिंग लाइक दिस, वेर यू आर हेल्पिंग द आर्टिस्ट टू गेन नेम एंड फेम। सो दिस इज हाउ दिस सेटअप वर्क्स। पार्टनरशिप नहीं करना, इसको समझना चाहिए, और मैरिड लाइफ के अंदर कम्युनिकेशन इज अटमोस्ट नेसेसरी। थर्ड हाउस लॉर्ड इन द एट्थ हाउस,
अब दूर से देखने पर ये जो पोजीशन है आपको बहुत ज्यादा नॉर्मल लग रही होगी, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फिनोमिनल पोजीशंस फॉर ऑकल्ट साइंसेज, फॉर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, फॉर लर्निंग ऑल द इंट्यूशनल साइंसेज। देखिए ऑकल्ट को ओवरऑल तरीके से देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कुंडली के अंदर बारहवें भाव को देखते हैं, अष्टम भाव को देखते हैं, कनेक्शन दिख गया तो आप कहते हैं कि ऑकल्ट में अच्छा कर पाएगा, नहीं। तीसरे भाव को देखना अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा भाव जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का है, आप किस तरीके से सोचते हैं, आप किस तरीके से प्रोग्राम्ड है। कुछ लोग प्रोग्राम्ड होते हैं अच्छी चीजें करने के लिए, कुछ लोग प्रोग्राम्ड होते हैं गलत चीजें करने के लिए, आपको समझ में आएगा वो ऑलरेडी। तो दैट सबकॉन्शियस माइंड जब आपके अष्टम स्थान के साथ कनेक्ट हो जाता है, इट गिव्स यू ऑन पॉइंट इंट्यूशन। ऐसे लोगों का इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोग अपने इंट्यूशन और एफर्ट्स के थ्रू लोगों को गाइड कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज फॉर थर्ड लॉर्ड इन द एर्थ हाउस इज कि आपको कोई ना कोई ऑकल्ट साइंस आना चाहिए या फिर आपको कोई ना कोई हीलिंग साइंसेज आने चाहिए। आपके अंदर बहुत अच्छी हीलिंग कैपेसिटी हो सकती है, जैसे कि प्राणिक हीलिंग हो गया, रेकी हो गया, जिनके बारे में मैं हमेशा बात करते रहता हूँ, या फिर कोई भी ऐसे साइंसेज जहाँ पर आप लोगों को हील कर सकते हैं अपने एफर्ट्स के थ्रू, या फिर ऐसे कोई भी साइंसेज जहाँ पर आप लोगों को सिखा सकते हैं कुछ ना कुछ अपने इंट्यूशन के बेसिस पे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए तीसरे भाव का मालिक अष्टम पे बैठकर दूसरे भाव पर भी कहीं ना कहीं एस्पेक्ट डाल रहा है आपके, तो आपकी जो वाणी है वो लोग सुनना भी चाहेंगे अगर आप ऑकल्ट के बारे में बात करेंगे तो। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट फॉर ऑकल्ट साइंसेज। रेमेडी ही है कि आपको कुछ ना कुछ ऑकल्ट के अंदर करना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, ताकि आपके दोनों प्लेसेस बैलेंस हो पाए। देखिए रिलीजियस प्लेसेस के अंदर जाना और रिलीजियस प्लेसेस के अंदर शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स करना, स्पेशली द प्लेसेस विच आर लिटिल बिट हिडन, आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे मंदिर होते हैं जो केव्स के अंदर होते हैं, कुछ ऐसे मंदिर होते हैं जो स्पेशल प्लेसेस पर होते हैं, माउंटेन्स के ऊपर होंगे, किसी का ऑकल्ट प्लेसेस बेसिकली बोल सकते हैं। काली माता के आपको राजस्थान में बहुत सारे मंदिर देखने मिलेंगे जो आपको बहुत माउंटेन्स पे आइसोलेटेड मंदिर देखने मिलेंगे। जब आप वैसे मंदिरों में जाकर प्रे करेंगे या फिर वैसे मंदिरों के अंदर जाकर अपनी अर्चना करने की कोशिश करेंगे, अपना एक ग्रेटफुलनेस दिखाने की कोशिश करेंगे, आपके ऑकल्ट में आपको और भी ज्यादा एक सिद्धि देखने मिलेगी। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है सिद्धि के लिए भी अगर आप अच्छे तरीके से वर्कआउट कर पाए तो। देखिए अष्टम भाव के साथ जुड़ चुका है, अगेन पंचम भाव की तरह ही अष्टम भाव भी कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ से बहुत सारी चीजें आपको देता है, अनअर्नड वेल्थ को आपकी बताता है। तो ऐसे जो इंसान होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट और प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण लाइफ में थोड़ा सा लेट सक्सेस देखने मिल सकता है। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, लेजी नहीं होना है, और मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने आप को। कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अष्टम स्थान के अंदर आदमी आगे चिल हो जाता है एकदम, तो चिल नहीं होना है। तीसरे भाव आपका एक्सरसाइज का है, अगेन मंगल के कारक तत्व को बढ़ाना है। जैसे मैं पहले के सेक्शन में कह रहा था कि डॉक्यूमेंटेशन इज स्टार्टेड फ्रॉम द थर्ड हाउस, डॉक्यूमेंटेशन को यहाँ पर मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि आप बहुत बड़ी वेल्थ गेन करने वाले हो बट आपको वो एक ही पेपर है जो नहीं मिल रहा है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो लॉटरी जीत जाते हैं बट लॉटरी का पेपर कहीं भूल जाते हैं। एक पिज्जा डिलीवरी की मैं बात करना चाहूंगा, एक पिज्जा कोई तो डिलीवरी गाय था इन US आई गेस, उसने बिटकॉइन बहुत सस्ते रेट में बाय किए हुए थे बट वो पेपर उसको नहीं मिल पाया है। उसने वो पेपर से कुछ तो कर दिया, ही कुडंट क्लेम द बिटकॉइन्स वर्थ रुपीज 100 million या फिर 150 मिलियन ऐसा कुछ था, बहुत बड़ा स्टोरी आया था। दैट इज द कॉम्बिनेशन थर्ड लॉर्ड इन द एट्थ हाउस। अपने डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से नहीं रखने की वजह से आपको लॉसेस देखने मिल सकते हैं। दीज पीपल आर वेरी क्यूरियस क्वेश्चन बैंक होते हैं। आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं नहीं, वो सवाल पूछते हैं बार बार आकर, वैसे टाइप का एक कॉम्बिनेशन है। देखिए किसी ने तो क्वेश्चन पूछा था कमेंट सेक्शन के अंदर कि रॉ के एजेंट्स जो होते हैं, जो सीक्रेटिव एजेंट्स होते हैं, उनके लिए क्या कॉम्बिनेशन बनता है। उनके लिए यही कॉम्बिनेशन बनता है थर्ड लॉर्ड इन द एट्थ हाउस। इसको थोड़ा डिटेल के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए तीसरा जो भाव है वो आपके सेल्फ एफर्ट्स का है कि आप किस तरीके से एफर्ट्स करते हैं। अष्टम जो भाव है वो आपके सीक्रेटिव चीज़ों का भाव है, तो आपके जो एफर्ट्स है वो सीक्रेटिव है एंड दे आर गोइंग अनरिकग्नाइज्ड। यहाँ पर दो चीज़ें हैं पर्सपेक्टिव को देखने के लिए। एक तो पहली बात यह कि ऐसा इंसान अकल्ट में एफर्ट करेगा, दूसरा कि एफर्ट्स जो है यहाँ पर वो किसी को दिखने नहीं चाहिए, तो सीक्रेटिव एफर्ट्स। तो सीक्रेट एजेंट्स का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो ये कॉम्बिनेशन बनता है थर्ड लॉर्ड इन द एट्थ हाउस। बेस्ट सीक्रेटिव एजेंट्स होते हैं ऐसे लोग। अगर शुक्र यहां पर स्पेशली पाइसिस के अगर कुंडली के अंदर तीसरे भाव का मालिक सप्तम के अंदर आकर बैठ जाए, शुक्र बन जाता है। बड़े बड़े मर्डरर्स के आपके कुंडली के अगर उठा के देखेंगे तो आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। इनको कोई पकड़ ही नहीं पाता है, और अगर पकड़ भी पाता है तो डेथ के बाद पकड़ पाते हैं। तो आप देखेंगे रिकॉग्निशन आफ्टर डेथ, ये आपको कहीं ना कहीं देखने मिलेगा कि जो जवान होते हैं जो बॉर्डर पर लड़ते हैं या फिर जो दूसरे कंट्रीज में जाकर एज अ सीक्रेट एजेंट काम करते हैं, उनको कब रिकॉग्निशन मिलता है, जब उनकी डेथ हो जाती है। अष्टम स्थान के बाद उनको रिकॉग्निशन मिलता है, राइट। तो डेथ होने के बाद फिर उनके प्याऊ बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, ये सारी चीजें होती हैं। सो आफ्टर दैट डेथ रिकॉग्निशन ये बताता है, या फिर आपका काम हो सकता है कोई ना कोई सीक्रेटिव हो। तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये बनती है कि योर एफर्ट्स आर गोइंग अनरिकग्नाइज्ड। दो सिचुएशन है अगेन यहाँ पर। ऐसा इंसान अगर बहुत ज्यादा हार्डवर्क भी कर रहा है तो लोगों को दूर से देखकर ऐसा लगता है कि इसको तो पहले से ही सब कुछ विरा
विरासत में मिला हुआ है. ऑफ कोर्स द पर्सन इज टैलेंटेड हियर, उसके पास उसका सबकॉन्शियस माइंड पहले ही उसके साथ आया हुआ है, द पर्सन इज टैलेंटेड, बट यहाँ पर एफर्ट्स जो है वो अनरिकग्नाइज्ड रहते हैं कहीं ना कहीं. मतलब लोग आपके एफर्ट्स को समझ नहीं पाते, लोग आपके एफर्ट्स के साथ सराहना नहीं कर पाते, लोगों को लगता है कि आपको सब चीज़ विरासत में मिली है क्योंकि आपके एफर्ट्स जो है वो अननोटिस्ड जा रहे हैं बेसिकली. तो ये इनके साथ प्रॉब्लम देखने मिलती है. लेटर स्टेज में लाइफ के ये सही होता है, बट इनिशियल स्टेज पर देखने मिल सकता है. बहुत ब्रॉड विजन होता है, ये सोचते नहीं कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा, ये सिर्फ एफर्ट्स करते रहते हैं. अष्टम स्थान है ना, रिबेलियस एनर्जी है वो. उबला हुआ पानी, आपने देखा कि पानी को जब उबालते हैं तो दैट इज अ फाइट गोइंग ऑन बिटवीन द वाटर एंड द फायर, राइट? पानी उबल रहा है और वो भाफ के अंदर इवेपोरेट हो रहा है, दैट वो अष्टम स्थान की सिचुएशन वैसी है. तो आप देखेंगे कि ऐसे जो इंसान होते हैं वो बॉइलिंग वाटर की तरह होते हैं, किसी के बारे में सोचते नहीं, अपना काम करते जाते हैं क्योंकि वो एफर्ट इतना डालते हैं उस रिकग्निशन की तलाश में. तो ये भी आपको देखने मिलेगा. इसके वजह से बहुत सारे दुश्मन बना लेते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि दूसरों को भाव ना देना, दूसरों को भी रिकग्निशन फिर से सामने ना देना, थोड़े रिबेलियस हो जाना, स्पेशली यहाँ पर मंगल का एस्पेक्ट आ जाए तो. और ये मैं आपको बहुत दावे के साथ कुछ चीज़ें कह सकता हूँ, बहुत सारे हॉरोस्कोप्स मैंने देखे हैं. आई नो पीपल विथ थर्ड लॉर्ड इन द एट्थ हाउस. देखिए, जो आपके साथ बैठकर चाय पी रहा है ज़रूरी नहीं कि वो आपका दोस्त है, ठीक है? तो इस बात को आप क्लियर समझ जाइए कि आपको भरोसा नहीं करना है, कोई भी हो आपका दोस्तों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, आपको फिर से आकर कभी भी धोखा मिल सकता है. देखिए, अष्टम स्थान जो होता है वो आपके इन-लॉज का भी होता है, तो इन-लॉज के बारे में ज़्यादा लोगों को ना बताएं कि आपके इन-लॉज कौन है, और इन-लॉज के साथ आप सीक्रेटिव ही रहें. अपनी जो इनकम है, देखेंगे अष्टम स्थान से जो सेवन्थ हाउस बनता है वो आपका सेकंड हाउस बनता है. अपने इन-लॉज को अपने इनकम के बारे में ना बताएं, अपने इन-लॉज को अपने लाइफ के बारे में ज़्यादा ना बताएं, ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. और थर्ड लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, अब आप देखेंगे फर्स्ट थिंग यहाँ पर कि ये एक स्पेशल प्लेसमेंट हो जाती है. तीसरा भाव अपने शक्ति स्थान से जाकर जुड़ चुका है, जहाँ से उसको शक्ति मिलती है वहाँ पर ही जाकर बैठ गया. तो आपको शक्ति कहाँ से मिलेगी? देखिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा, आप कुछ ना कुछ डिकोड कर पाएंगे इसमें से. नवम भाव जो होता है वो आपके एडवाइसेस का होता है. लाइफ के अंदर जुपिटेरियन एडवाइसेस आर द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट. आप देखेंगे कि वो एक बिजनेस आइडिया जो आप कर सकते हैं बट आपको नहीं पता था, और आपको अपने किसी दोस्त ने, टीचर ने, माँ बाप ने, किसी ने बता दिया, और फिर आपने उस पर काम करना शुरू किया और फिर आप सक्सेसफुल हो गए. तो वो एक एडवाइस थी जो इनिशिएशन था उस चीज़ का. और तीसरा भाव आपके इनिशिएशन का भी है, तो आपको एडवाइसेस अपने ट्रैवल के दौरान मिलेंगी कुछ ऐसे लोगों से जिनसे आप वो ट्रैवल के अंदर मिलेंगे. नवम भाव जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रैवल्स का है, तीसरा भाव जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स का है. तो जीवन के अंदर ट्रैवल तो बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, कंटिन्यूसली पग पग पे आपको ट्रैवल करना पड़ेगा. तो कभी भी आप जब आपको ऐसा लगता होगा लाइफ में चीजें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, या फिर मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड महसूस कर रहा हूं, तो आपकी जो कन्वर्सेशंस होंगे वो आपको याद करने चाहिए आंखें बंद करके बैठ के, कि ये ट्रैवलिंग के दौरान मैं इन लोगों से मिला और मेरे ये कन्वर्सेशंस हुए, और उसके अंदर से एडवाइसेस लेने की कोशिश करो, आपको अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा. फर्स्टली देखिए, जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है कुंडली के अंदर. एडवाइसेस आपको जो देते हैं जुपिटेरियन लोग, वो आपकी लाइफ बदलने की ताकत रखती है. दैट इज द रीजन आप देखेंगे कि जुपिटर है दूसरे भाव का कारक बनता है. मुंह से जो बोली निकली वो सामने वाले को लगती है कहीं ना कहीं. आपके कुंडली के अंदर तीसरे भाव का मालिक जो आपका इमैच्योर मर्क्यूरी है, वही जाकर कहीं ना कहीं इस बृहस्पति की एनर्जी से जाकर मिल चुका है. तो आप किस तरीके से डेवलप होंगे? आप जब धर्म स्थलों पर जाएंगे, धर्म गुरुओं को सुनेंगे, या फिर आप अपने ट्रैवल के दौरान जिन लोगों से मिलेंगे वो आपके गुरु की तरह एक्ट करेंगे, और उनकी जो एडवाइस होगी वो आपके लिए लाइफ में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी. तो इसको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखिए, तीसरा भाव जो है आपके एफर्ट्स का है, वो भाग्य से जुड़ चुका है. तो यहां पर एफर्ट्स इज इक्वल्स टू भाग्य राइज, ट्रैवलिंग इज इक्वल्स टू भाग्य राइज. इसको एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट रखना है, जितना एफर्ट करेंगे उतना भाग्य राइज होगा. विदाउट एफर्ट्स यहां पर नहीं होने वाली चीजें, एफर्ट्स तो आपको करना पड़ेगा. दो सिनेरियोज है यहां पर लाइफ के अंदर, ट्रैवलिंग बनी रहेगी, घर चेंज होते रहेंगे. अब अगर ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिवली काम कर रहा है तो आप विलिंगली ये काम करेंगे, अगर ये नेगेटिवली काम कर रहा है तो आपको फोर्सफुली ट्रैवल करना पड़ेगा. सो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ द कॉम्बिनेशन इज वर्किंग. देखिए, यहां पर ही एस्ट्रोलॉजी का रोल प्ले सबसे बड़ा आता है. अगर आप खुश नहीं है अपने होम चेंज से, बट अगर आपको पता चल जाए कि मेरा भाग्य और मेरा कर्म ही ये लिखा हुआ है, तो आप उस चीज को एक्सेप्ट जल्दी कर पाएंगे और चेंजेस लाकर हैप्पी बन पाएंगे उस चीज के बारे में. यू विल बी एबल टू डिराइव हैप्पीनेस फ्रॉम इट. देखिए, जुपिटेरियन क्वालिटीज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंसान के अंदर, क्योंकि कर्म के अंदर अगर वो जुपिटेरियन क्वालिटीज ढूंढने लग जाएगा इंसान, वैसे ही खुश हो जाएगा. एक आपको जॉब पर जाना ही है और दूसरा आपको फिर से जॉब पर जाना है. एक आप या तो खुश होकर जा सकते हो या तो दुखी होकर जा सकते हो. तीसरे भाव का मालिक जब नवम भाव के साथ बैठ चुका है, जुपिटर की एनर्जी आ गई है, अपने एफर्ट्स के अंदर खुशी डालने की कोशिश कीजिए, आप देखेंगे वो मल्टीप्लाई होगा. मल्टीप्लाई क्यों होगा? तीसरा भाव जो है दैट इज द एवर ग्रोइंग भाव. हमेशा पूरे जीवन आपके वो जो भाव है वो उगते रहेगा, वो आगे बढ़ते रहेगा, वो स्टेग्नेंट नहीं हो जाता. उसका कर्म कभी भी स्टेग्नेंट नहीं है, वहां पर फ्री विल बहुत ज्यादा है. तो अगर आप थोड़े से चेंजेस अपने लाइफ के अंदर करें तो आप हैप्पीनेस डिराइव कर सकते हैं अपने एफर्ट्स के थ्रू. लाइफ के अंदर मेजर एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि जो ट्रैवल एक ऐसा होता है जो आपकी लाइफ बदलने की ताकत रखता है. देखिए, भाग्योदय जो होगा वो घर से थोड़ा दूर जाकर ही होगा. आपको घर के नजदीक अगर आप रहेंगे तो भाग्योदय होने का यहाँ पर थोड़ा सा अप एंड डाउन ही लगता है. देखिए, इसके पीछे रीजन ये है कि दूसरा जो भाव है आपका वो पहले तो तीसरे भाव से बारवा जा चुका है, और अगर नवम भाव
से भी अगर बात करें तो वो 6-8 का पोजीशन बना रहा है सेकंड हाउस आपसे, तो घर से दूर जाना कहीं ना कहीं यहाँ पर लाजमी हो जाता है आपके लिए। देखिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जर्नलिस्ट के लिए, रिपोर्टर्स के लिए, इंटरेक्शन विद पब्लिक के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक बहुत अच्छी रेमेडी यहाँ पर यह है, तीसरे भाव का मालिक अगर नवम भाव में हो, कोई ना कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखिए, फॉरेन लैंग्वेज सीखिए और इंटरेक्ट करिए लोगों से फॉरेन के, आपको वो बहुत अच्छा फायदा दे जाएगा। देखिए ये कुछ मायनों में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, आप देखते हैं कि लोग अपने आप को ट्रैवल करने के बाद ही जान पाते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग का काम करना चाहते हैं, यूट्यूब बनना चाहते हैं, ब्लॉगर बनना चाहते हैं, रिपोर्टर बनना चाहते हैं, जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, एडिटर बनना चाहते हैं, ब्यूटीफुल तरीके से आप काम कर सकते हैं। एक छोटी सी मैं बात कहना चाहूंगा यहाँ पर, आज से आई थिंक सो 6 या 7 महीने पहले एक कंपनी आई थी, अ स्मॉल स्टार्टअप फ्रॉम मुंबई, तो अगर उनको किसी को हायर करना होता था तो पहले वो हॉरोस्कोप्स बेचते थे और देखते थे कि कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरा चैनल बहुत छोटा था, बट आई वॉज स्टिल वर्किंग इन एस्ट्रोलॉजी। तो ये जो बंदा था इसने वीडियो एडिटर्स इसको हायर करने थे। अब वीडियो एडिटर्स के लिए द थिंग्स विच आई वॉज ट्राइंग टू चेक इन द हॉरोस्कोप कि तीसरे भाव का जो मालिक है वो नवम भाव से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था। बिकॉज ये जो कंपनी थी ये कंटेंट क्रिएट करती थी बाकी सारे लोगों के लिए, तो फॉर एग्जांपल अगर किसी को धार्मिक वीडियोस भी अगर चलाने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर डीटी के वीडियोस जो लोग चलाते हैं, आप यूट्यूब पर देखते होंगे कि एक पर्टिकुलर भगवान होते हैं उनके वीडियोज भी लोग एडिट कर चलाते हैं, जिससे ऑफकोर्स सनातन का एक ज्ञान भी बढ़ता है विच इज नॉट बैड, एंड अदर देन दिस उनका प्रॉफिट भी होता है। तो ये ऐसे टाइप का एडिटिंग स्किल्स देख रहे थे। तो तीसरा भाव का नवम भाव से जुड़ना ऐसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जब आप धार्मिक कार्यों में एडिटिंग कर रहे हो, धार्मिक कार्यों में आप कुछ कम्युनिकेशन करो, धार्मिक कार्यों में कुछ बोलते हो, तो वो कंपनी को सपोर्ट करेगा एज अ ओवरऑल थिंग। भले वो अपने एडिटिंग में अच्छा हो ना हो, पर ये कंपनी को थोड़ा ज्यादा वो सपोर्ट करेगा। ऑफ कोर्स स्किल होना यहाँ पर जरूरी है। तो मेरे कहने का मोटा मोटा तात्पर्य इतना सा है कि अगर आपका तीसरे भाव का मालिक नवम भाव के साथ जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई लैंग्वेज सीखिए, धर्म के बारे में बात कीजिए, एडिटिंग पर फोकस कीजिए, यूट्यूब के अंदर कुछ ना कुछ काम कीजिए, अपनी ट्रैवलिंग लाइफ को बताने की कोशिश कीजिए। आप वही लोग हैं जो वैन लाइफ बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं, एक वैन है जिसके अंदर अपना घर बना लिया और एक यू नो एक ऐसी लाइफ जी रहे हो जहां पर आप एक्सप्लोर कर रहे हो, तो फॉर एक्सप्लोरिंग दिस लाइफ इज एक्सट्रीमली गुड। देखिए भाग्य उदय तभी होगा जब एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जैसे अगर वैन के अंदर रहना है, दूर से दिखने में बहुत ज्यादा वो फैंसी लगता है, मैं जानता हूँ ये प्रोसेस को कि आप जब वो वैन बनाते हो तब आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, वहाँ पर व्हील्स लगाओ, नए रिस्क टेकिंग एपेटाइट होना चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसीज, लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट। तो वैसा लाइफ जीने के लिए थोड़ा एफर्ट्स लगता है, बट वो एफर्ट्स के बाद जो सैल्वेशन है, जो मुक्ति है, वो कहीं ना कहीं आप बहुत नज़दीक पाते हो अपने आप को। मैरिज के बाद कोई ना कोई इमीडिएट प्लेस चेंज आपको देखने मिल सकता है, तो इसके लिए ऑलरेडी आपको रेडी रहना चाहिए। थर्ड लॉर्ड इन 10th हाउस। अब देखिए पहली बात तो ये कि तीसरे भाव का जो आपका मालिक है वो अपने से अष्टम स्थान पर दूर जा रहा है, 8 पोजिशंस अवे फ्रॉम इटसेल्फ इट इज गोइंग, तो करियर के अंदर थोड़ा डीले दे सकता है, ये सेटलमेंट के अंदर डीले आता है। देखिए ओवरऑल पोजीशन को समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। 10वां जो भाव है वहाँ पर सूर्य दिग्बली होते हैं और वो शनि का घर है। तीसरा जो भाव है वो इमेच्योर मर्क्यूरी का है। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक बच्चा है छोटा सा जिसको बहुत जल्दी उम्र के अंदर बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ गई। वो टैलेंटेड है, उसको पता है कि किस तरीके से काम करना है, बट उसको बिजनेस समझ में नहीं आता यहाँ पर। तो जो छोटा बच्चा है वो इमेच्योर मर्क्यूरी तीसरे भाव का, जब 10th भाव जो कि शनि का घर है वहां पर आके वो एक हार्ड एनवायरमेंट के अंदर आके बैठ गया है। मतलब बेसिकली आपने एक आर्टिस्ट जो है उसको आकर बोल दिया है कि तू MBA इन फाइनेंस कर और फिर तुझे अभी फाइनेंस के फील्ड के अंदर काम करना है। ये उस टाइप का कुछ कॉम्बिनेशन है। ये स्टेबिलिटी आने में जीवन में टाइम लगता है, इसीलिए आपको डिले देखने मिलता है सेटलमेंट में। ओवरऑल करियर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो देखिए आपको ये बात समझना है कि अब आपकी हॉबी आपका प्रोफेशन बन चुकी है। तीसरा भाव आपके हॉबी का है, आपके सबकॉन्शियस माइंड का भी है, वही आपके अगर करियर में आकर बैठ गया तो अपने हॉबी को अपना प्रोफेशन बना लीजिए। हॉबी बेस्ड प्रोफेशन यहां पर आपको फॉलो करना चाहिए, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए अगर आप एक गिटारिस्ट बनना चाहते हैं और गिटारिस्ट बनने के अंदर आपकी सैलरी आपको पर मंथ फॉर एग्जाम्पल कोई कुछ भी कर 50,000 आप कमाएंगे और आपको लग रहा है कि मैं मास्टर्स कर लूंगा और फिर मुझे सैलरी 70,000-80,000 मिलेगी, अगर ये रेशियो बैठता है कि जहां पर आप 30-40% के अंदर भी फिट होकर आप कम सैलरी ले रहे हैं बट आप अपने पैशन का काम कर रहे हैं, तो जरूर पैशन का काम कीजिए, क्योंकि आप नहीं कर पाएंगे दूसरे फील्ड में। आपका एक रवैया ऐसा होगा कि मैं मेरे हॉबी के लिए काम कर रहा हूं, आई एम वर्किंग फॉर माई लव नॉट फॉर द प्रोफेशन, उस शनि की एनर्जी से आपको हमेशा बचना पड़ेगा। तो यहां पर रेमेडीज करना पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। योग क्या बन रहा है उसे देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होती है ना लाइफ की, वो करियर के अंदर सेटलमेंट के अंदर बहुत टाइम लगा पाती है, क्योंकि इंसान फिगर आउट नहीं कर पाता कि उसे करना क्या है। यही अगर थर्ड लॉर्ड 10th हाउस के अंदर बैठा है तो आपके दिमाग में एक बात श्योर हो जानी चाहिए कि हॉबी बेस्ड प्रोफेशन यहां पर आपको फॉलो करना है। अगर आप वो फॉलो नहीं भी कर रहे हो, कुछ और भी कर रहे हो, तो साइड बाय साइड अपना छोटा मोटा कुछ शुरू रखिए, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। अगर कुंडी में भाग्य अच्छा लिखा है, पंचम नवम अच्छा लिखा हुआ है, तो वो आपका ये प्रोफेशन राइज कर जाएगा और फिर आप जो आपका मेन जो बिजनेस है वो आप छोड़ पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बिजनेस आपके जल्दी समझ में नहीं आएगा, हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। अनडेसेंडेंटली आप देखेंगे कि तीसरे भाव का मालिक मर्क्यूरी बन गया। फॉर एग्जांपल एरीज लग्न की कुंडली रहते हैं, एरीज लग्न की कुंडली में तीसरे भाव का मालिक मर्क्यूरी बन गया, वो मार्केटिंग के कारक बनते हैं, और टेंथ हाउस का मालिक शनि बन गया। अभी यहां पर अगर एक्सचेंज हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो वो मार्केटिंग के फील्ड में बताता है। बट अदरवाइज इंसान को अपना काम पसंद आना चाहिए। अगर काम पसंद नहीं आ रहा है इंसान को, तो वो काम नहीं कर पाएगा। आप फोर्सफुली ऐसे इंसान से काम नहीं करा सकते। बच्चे को आप बिठा सकते हो मार करके, भाई बैठ जा अभी काम कर, बट वो दो तीन दिन करेगा, चार दिन, चौथे दिन वो इरिटेट होकर चला जाएगा। तो इरिटेशन यहां पर आपको प्रोफेशन के अंदर देखने मिल सकता है। सेकंडली, जॉब इज नॉट अ गुड प्लेसमेंट हियर। आप लोग जॉब ज्यादा समय तक कर नहीं पाएंगे। देखिए, आपने एक इमेच्योर बच्चे को आकर कर्म स्थान पर आकर लग दिया, जिसके अभी तक वो खुद को एक्सप्लोर कर रहा है, राइट? उसको खुद के इंटरेस्ट नहीं पता है। तो ऐसा इंसान जो होता है अपने करियर बार बार चेंज करता है, मल्टीपल चीजें ट्राई करता है, फिर जाकर सेटलमेंट पे आ पाता है। देखिए, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही काम करें। अगर आप अपनी हॉबी के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि भाई रात के अंदर एक घंटा दो घंटा में मेरा इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिस करूंगा, या फिर मेरा जो हॉबी है, मेरा आर्ट है, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा, और रेगुलर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर। मर्क्यूरी की प्रॉब्लम ये है कि हर जगह पर इंटरेस्टेड होता है ऐसा इंसान, कि मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, और जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता। तो शनि को अगर यहां पर मर्क्यूरी के अंदर मिक्स करेंगे, शनि की एनर्जी को अगर आप अडेप्ट करने की कोशिश करके मर्क्यूरी की तरफ बढ़ेंगे, तो आप ये मिक्सचर अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। सो फोकसिंग ऑन इन वन डायरेक्शन हियर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। देखिए, दूसरी बात यहां पर ये कि बहुत समझना इंपॉर्टेंट है इस चीज को, कि सैलरी इज द ड्रग विच पीपल गिव यू टू फॉरगेट योर ड्रीम्स। मर्क्यूरी वाला आदमी ऐसा डिसीजन हमेशा लेगा जीवन के अंदर, कि छोटी मोटी सैलरी के लिए या फिर छोटे मोटे चीजों के लिए आप देखेंगे कि बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली जो नहीं देख रहा है, और फिर उसे छोड़ दिया। आप कहते हैं ना कि वो बच्चे को चॉकलेट दिया तो वो हर एक चीज मान जाता है, तो ये बच्चा है जिसको एक पैसे का चॉकलेट मिलेगा यहां पर। तो आपको ये बात समझनी है कि अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो इट इज जस्ट फॉर टाइम बीइंग, सर्वाइवल के लिए आप सैलरी ले लीजिए, बट लॉन्ग टर्म के लिए आप करेंगे तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा, आपको प्रॉब्लम्स ही देखने मिलेंगी। थर्ड लॉर्ड इन द टेंथ हाउस, आप देखेंगे ये आपको ट्रांसफर्स भी दे सकता है, जॉब के अंदर बार बार बदलाव दे सकता है। स्पेशली अगर चंद्रमा बन जाए यहाँ पर, तो जरूर वो आपको कुछ ना कुछ देगा यहाँ पर, जिससे आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। देखिए, आपके लिए स्टेग्नेंट रहना सही भी नहीं है, आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल करना चाहिए। अगर आप एक स्टेबल जॉब के अंदर भी हैं, तो मेक श्योर करें कि वीकेंड्स पर एटलीस्ट ट्रेक्स करें, ट्रिप्स करें, कुछ तो भी करें जिससे आप एक्टिव रह पाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, तीसरे भाव का मालिक दशम भाव के अंदर आके चौथे भाव को आपके एस्पेक्ट कर रहा है, तो अगर आपका करियर सही नहीं चल पा रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं रीजन आपके घर का वास्तु है, बिकॉज शक्ति स्थान यहाँ पर वास्तु बन जाता है। सामने का स्थान जो है फोर्थ हाउस, वो आपके घर को रिप्रेजेंट करता है, तो जो की है वो आपके घर के अंदर लाया करती है। तो आपको अभी ये देखना है कि घर का वास्तु किस तरीके से प्लेस्ड है, और वो वास्तु को ठीक करना है, ताकि आपके करियर के अंदर स्टेबिलिटी आ पाए। देखिए, यहाँ पर आपको हमेशा एक डिलेमा देखने मिलेगा जीवन के अंदर। ड्यूअल साइन के अंदर यही होता है कि जो जेमिनाय है, आप देखेंगे कि यहाँ पर हमेशा आपको एक चॉइस मिलेगा करियर के अंदर, कि ये करूँ या ये करूँ, इस तरफ जाऊँ या उस तरफ जाऊँ, और हमेशा एक कन्फ्यूजन बना रहेगा करियर के अंदर। क्या मुझे ये टीम ज्वाइन करनी चाहिए, क्या मुझे प्रमोशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, अच्छा प्रमोशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो ये लोग मेरी पोजिशन तो रैंक तो बढ़ा रहे हैं पोजिशन का, बट मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहे, तो मेरा वर्कलोड बढ़ जाएगा, बट मुझे पैसा नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूँ, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू विल फेस। इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ। करना क्या है कि आपको देखना है कि कुंडली के अंदर आपका धन भाव किधर सपोर्ट कर रहा है, कौन से प्लैनेट को सपोर्ट कर रहा है। अगर धन भाव आपके इस प्लेसमेंट को सपोर्ट करता है, तो जाइए उस प्रमोशन के लिए, जाइए उस डिसीजन चेंजिंग के लिए, और अगर नहीं कर रहा है तो फिर नहीं जाइए। बट अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले घर से दूर जाने की, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिले जहां पर आपको करियर की वजह से अपनी लोकेशन बदलनी हो, तो जरूर बदलना, आपके लिए वही फायदेमंद रहेगा। बहुत अच्छी रेमेडी यहां पर यह है कि आप गरीबों के अंदर खाना बांटिए जितना हो सके। अगर आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कुछ सिखा सकते हैं, जैसे बहुत लोग हैं जो रोड पर रहते हैं जिनको ABCD भी नहीं आता, आपको क्या करना है, एक वीकेंड निकालिए, ट्रैवल कीजिए थोड़ा सा, फिर से आइए। अब आपको सिर्फ इतना सा करना है कि आपके घर के आसपास जो छोटे बच्चे रहते हैं या फिर NGO के अंदर, उनको सिर्फ नंबर्स सिखाना है। देखिए, नंबर्स जो है वो मर्क्यूरी का बहुत बड़ा कारक है, और नंबर्स इंसान को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, ताकि उनको ये तो समझ में आए कि कितना पैसा मिल रहा है, कितना पैसा जा रहा है आ रहा है, कोई उनको डेली वर्कर जो होते हैं उनको कोई पागल ना बना पाए। तो ऐसा कुछ करके अगर आप एजुकेट कर सकते हैं लोगों को, दिस वुड बी अ वेरी ग्रेट रेमेडी फॉर यू टू डू। थर्ड लॉर्ड इन द 11th हाउस, नाउ दिस सेटअप इज अ वेरी गुड सेटअप। देखिए, तीसरा भाव जो है वो आपके एफर्ट्स का है, और एफर्ट्स का भाव आपके डेली वेजेस से जाकर जुड़ चुका है। वो आपके कितना कमा सकते हैं, आपके धन की क्षमता या फिर आपके लॉन्ग टर्म अर्निंग से नहीं जुड़ा, वो आपके डेली वेजेस से जाकर जुड़ चुका है। तो ऐसे लोगों को आप जरूर देखेंगे कि कमीशन बेस्ड बिजनेसेस में काम करना चाहिए, और ऐसे लोग करते भी है काम। फॉर एग्जांपल यहां पर कि तीसरे भाव का मालिक मंगल बन गया, मंगल यहां पर जाकर आपके 11वें भाव के अंदर जाकर बैठ गया। अगर तीसरे भाव का मालिक यहां पर मंगल बन गया, मतलब एक्वेरियस लग्न की कुंडली हो गई और आपके 11वें भाव के अंदर जुपिटर की राशि आ गई। अब आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के प्रॉपर्टी डीलिंग का काम बहुत अच्छा कर पाएंगे। प्रॉपर्टी का जो दलाल बोलते हैं, आई गेस इनको, या फिर प्रॉपर्टी ब्रोकर्स जो होते हैं, वो जाकर दिखाते हैं प्रॉपर्टी लोगों को, और उसके अंदर से उनका एक कमीशन होता है। तो यहां पर आप जितना एफर्ट्स डालेंगे उतना आपका इनकम राइज होगा। तो यहां पर इनकम पे लिमिटेशन नहीं है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, तीसरा भाव कंटिन्यूसली ग्रो होगा, उसी तरीके से 11वां भाव जो है वो भी ग्रो होता है। दोनों ग्रोथ वाले भाव हैं, तो वो जुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जितना इंसान एफर्ट्स डालता है
उतना इंसान बढ़ते जाता है। देखिए आप कमीशन बेस्ड बिजनेसेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स बनाकर भी काम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कहीं पर वर्कर का सप्लाई करना होता है तो ऐसा इंसान जो होगा वो किसी की एक लीड टीम बना ले और फिर वो वर्कर्स को ढूंढने की कोशिश करे, फिर वो सारे वर्कर्स इनके अंदर काम करेंगे और फिर वो वर्कर्स को कंस्ट्रक्शन कंपनीज को सप्लाई करना। और यहां पर आप देखेंगे 11वां भाव जो है वो शनि का भी होता है, वो राहु का भी होता है। तो वहां पर अगर आप जेन्युइनिटी से काम करेंगे और जेन्युइनिटी से वर्कर को आप पैसे देंगे, आपका बिजनेस आप जरूर बढ़ते हुए देखेंगे। तो इस तरीके का आपको कुछ सेटअप रखना है जहां पर आपका जो बिजनेस होगा वो कमीशन बेस बिजनेसेस के अंदर आए। देखिए यहां पर भी मैं कहूंगा दिस इज नॉट अ वेरी गुड सेटअप फॉर जॉब, आपको बिजनेस ही करनी चाहिए, बिजनेस के अंदर आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। अगर जॉब भी कर रहे हैं तो कमीशन बेस वाली जॉब कीजिए, ठीक है। दूसरी बात यहां पर यह है कि राहु का इफेक्ट है, यहां पर तीसरे भाव के अंदर भी राहु का प्रोमिनेंट इफेक्ट है, 11वें भाव के अंदर भी राहु का प्रोमिनेंट इफेक्ट है। तो ये एक वो भी योग बनाता है जहां पर आप ऑनलाइन भी पैसा कमा सकते हैं, अपना फेस दिखाकर भी पैसा कमा सकते हैं, अपनी स्पीच के थ्रू भी पैसा कमा सकते हैं। तीसरे भाव आपके गले का भी है तो कहीं ना कहीं यहां पर आपको स्पीच का एक फैक्टर देखने मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल 11वें भाव का मालिक ही समझो तीसरे भाव के अंदर आकर अगर बैठ गया और 0 डिग्रीज के अंदर बैठा है, 0 डिग्रीज, 1 डिग्रीज, 2 डिग्रीज, तो यहाँ पर सिचुएशन बन रही है ना कि सेकंड हाउस की तरफ भी जा रहा है, तो वो स्पीच और थ्रोट दोनों को रिप्रेजेंट करता है। सो बोथ द वेज इट विल वर्क कि तीसरे भाव का मालिक जब 11वें भाव के अंदर जाएगा तो वो स्पीच का एक एलिमेंट लेकर जाएगा और वो एलिमेंट के वजह से आप देखेंगे स्पीच भी आपकी कहीं ना कहीं अथॉरिटेटिव हो सकती है, राहु की तरह हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपके तीसरे भाव का लॉर्ड कौन बन रहा है और 11वें भाव पर क्या साइन आ रही है, किस तरीके से वो हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल यहां पर मंगल बन गए तो मैंने आपको कहा प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर सूर्य अगर बन गया तो आर्टिस्ट मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं, आप लोगों को किस तरीके से फेम मिलेगा वो बता सकते हैं, जैसे बिजनेस डेवलपमेंट का जो काम होता है कमीशन बेसिस पे। जैसे अगर मैं कल एक बिजनेस करने की सोचूं, वो बिजनेस अगर फॉर एग्जांपल किसी रीजन की वजह से थोड़ा बहुत स्टकअप है, किसी इंसान के पास गया और फिर मैंने उसे कहा कि अगर आप ये बिजनेस मुझे इतने नंबर्स तक पहुंचा सकते हो तो मैं आपको इतना इतना कमीशन दूंगा मेरे बिजनेस के अंदर से, राइट। तो वो एक सेटअप आपको देखने मिल सकता है। इंटरनेट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो SEOs के लिए काम करते हैं, यू नो कि आपकी वेबसाइट ताकि क्लिक करने पर सबसे ऊपर दिखे आकर, तो उसकी वजह से आपको एक अच्छा सा यू नो यू नीड आप ग्रोथ देख पाते हैं। तो दूसरों की ग्रोथ ओरिएंटेशन के लिए काम करना वही आपकी खुद की ग्रोथ ओरिएंटेशन के लिए काम करना होगा। सो बिजनेस मॉडल आपका इस तरीके का कुछ होना चाहिए। देखिए यहां पर ये अच्छा कॉम्बिनेशन इसीलिए भी है बिकॉज नाउ योर एफर्ट्स आर डायरेक्टली मैनिफेस्टिंग इनटू द गेन्स। तीसरा भाव एफर्ट्स का, 11वें भाव आपके गेन्स का, तो आप जो एफर्ट्स डाल रहे हो वो आपके गेन्स में कन्वर्ट तो हो रहे हैं। बट यहां पर एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, 11वां भाव राहु का भाव है। ऐसे जो लोग होते हैं हमेशा इजी मनी के पीछे भागने की कोशिश करेंगे। कमीशन बेस्ड बिजनेस का मतलब क्या होता है, इंसान मोटिवेशन ही इंसान का पैसा होता है कि कमीशन मिल रहा है इसलिए मैं ज्यादा काम करूं। तो किसी को कोई प्रॉपर्टी चिपका दी, किसी का यू नो किसी को देख रहे हो कि कोई और घर चाहिए बट उसको घर के बारे में गलत चीजें बताई, वास्तु गलत बताया ये वो करके चिपका दिया, ऐसे अगर काम करोगे तो जीवन के अंदर बड़ा डाउनफॉल देखने मिलेगा। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन को मैं थोड़ा खतरनाक भी मानता हूं क्योंकि इंसान को जब गेन्स फास्ट मिलने लग जाती है तब वो एक वो डिसीजन गलत लेता है और वो एक गलत डिसीजन आगे जाके बहुत भारी पड़ता है। देखिए ये आपको जरूर देखने मिलेगा इस कॉम्बिनेशन के अंदर। तो अगर आपको ब्लेसिंग है फास्ट गेन्स की तो मेक श्योर करें कि एथिकली आप काम कर रहे हैं। अगर एथिकली आप यहां पर काम नहीं करेंगे आपको जीवन के अंदर डाउनफॉल और बहुत बार ट्रांसफर्स देखने मिलेंगे यहां पर। देखिए ये वही कॉम्बिनेशन है कि तीसरे भाव का एक बच्चा बैठा हुआ है, एक इमेच्योर मर्क्यूरी जिसको आप राहु के सपने दिखा रहे हो। आप किसी बच्चे के हाथ में जाकर दे दो 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए दे दो और उसको बोलो खर्चा कर, अब वो क्या करेगा, वो 10 लाख रुपए नहीं सोचेगा कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं और फिर लॉन्ग टर्म गेन्स की बात करूं। यहां पर वो 10 लाख रुपए लेकर आएगा, खिलौने लेकर आएगा, या तो कोई गाड़ी लेकर आएगा, या तो कपड़े लेकर आएगा, या तो ब्रांडेड चीजें लेकर आएगा, राइट। तो माइंडसेट उसी तरीके से चलेगा। तो पैसे को ना संभाल पाने का भी ये एक अच्छा ये योग बनता है कुंडली के अंदर के पैसे आए बट संभाल नहीं पाए। इनके लाइफ में आप देखेंगे एक ना एक ऐसा पॉइंट होता है जब इनके पास बहुत पीक पे पैसा होता है, ये बोलते हैं यार काश वो समय फिर से हमारा आ जाए। तो वो 1-1.5 साल का पीरियड इनके लाइफ में आता है, फिर से आएगा भी अगर आप एथिकली काम करेंगे तो आपके गेन्स ते जाएंगे। अगर यहां पर 11वें भाव के अंदर मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हैं, तीसरे भाव के अंदर मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हैं, तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप संभाल कर काम करें, कोई ऐसी चीज में ना फंस जाए एट द एंड ऑफ द डे जाकर जहां पर यू नो आपको फिर बाद में रिग्रेट हो। तो वो फास्ट मनी का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा यहां पर स्केप्टिकल देखने मिलता है। द बेस्ट रेमेडी फॉर दीस पीपल इज कुष्ठ रोगियों के लिए खाना खिलाइए, कुष्ठ रोगियों को कुष्ठ रोगियों के लिए डोनेशंस कीजिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए जितना हो सकता है डोनेशन कीजिए। आपको इजी मनी अगर मिलता है तो उसका एक बड़ा पार्ट डोनेशन के लिए भी रखिए ताकि उसके लिए आप दुनिया का भी भला कर पाए और अपनी जो गेन्स आ रही है वो गेन्स आप दे भी रहे हैं। कभी नहीं भूलना चाहिए 11वें से जो दूसरा भाव होता है वो 12वां भाव होता है जो आपका आखिरी भाव है। तो अगर कुछ मिल रहा है तो देना भी पड़ेगा आपको। थर्ड लॉर्ड इन द 12th हाउस। अब आप देखेंगे ये ऐसा कॉम्बिनेशन है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है जाकर वो एक ओशन के अंदर जाकर बैठ गया है। मतलब आपने अपने दिमाग को एक ओशन के अंदर जाकर डाल दिया, अब उसके पास जितना एक्सप्लोर करना है वो कर सकता है। आप ऐसे लोग देखेंगे एपिटोम ऑफ ओवरथिंकिंग, इतना ओवरथिंकिंग ये लोग कर सकते हैं जितना और कोई नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनरशिप है, एक हस्बैंड और वाइफ है, अगर हस्बैंड अभी 15-20 मिनट लेट आ रहा है तो इस वाइफ के दिमाग में कंटिन्यूसली चलते रहेगा कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कुछ और तो नहीं हो गया, कहीं हॉस्पिटल तो नहीं चले गए, कहीं अफेयर तो नहीं चल रहा, 1000 चीजें वो लेडी सोचने लग जाएंगी। ये वो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, एक्सट्रीम ओवर थिंकिंग
थिंकिंग का कॉम्बिनेशन यहाँ पर ये बनता है, और जो चीज़ें मैटर नहीं करती उसके बारे में भी सोचेंगे। जैसे अंडा पहले आया है मुर्गी, आप बोलेंगे 10,000 मिलियन लाइट अर्स अवे क्या होने वाला है, भगवान किस तरीके से बने, इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पर। वो चीज़ों के बारे में सोचने की कोशिश करेंगे और उधर हमको तर्क देखने मिलेगा। देखिए, आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं होना है, आपकी सोच ऐसी है। आज इंसान को फर्क पड़ता है कि उसके पास कल क्या होने वाला है, या एक साल बाद का इंसान सोचता है, तो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इतनी दूर की करते हैं 10वीं पीढ़ी की, जबकि आज यहाँ पर कोई सेटलमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि सबकॉन्शियस माइंड को संभाल के रखे, अपनी थिंकिंग को थोड़ा लिमिटेशन के अंदर लाकर आज क्या करना है उसके ऊपर एक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से होगा, तीसरे भाव का एक इमेच्योर बच्चा है जो 12वें भाव के अंदर जाकर बैठ चुका है, और वो मर्क्यूरी नेचुरल आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड डेबिटेट होता है आपके 12th हाउस के अंदर। 12th हाउस में सपोर्ट कहां से मिलेगा, 12th हाउस में सपोर्ट मिलेगा जुपिटर से। तो आपके लिए स्पिरिचुअल गुरु का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा आपके लिए योग है। देखिए, अगर आपके स्पिरिचुअल गुरु होंगे ना, तो आप मेडिटेशन में बहुत अच्छे तरीके से एक्सेल कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन के अंदर बहुत अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड 12वें भाव के अंदर जाकर बैठा है, मतलब आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी की ऐसी पावर है, मैनिफेस्टेशन की ऐसी पावर है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड से ऑलरेडी जुड़ी हुई है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो करके कुछ क्रिया साधना किसी एक अच्छे से स्पिरिचुअल वे को फॉलो अगर आप करेंगे, तो आप देखेंगे लाइफ के अंदर बहुत अच्छा डेवलपमेंट। दूसरी बात यहाँ पर ये कि तीसरे भाव का जो मालिक बनता है वो आपके छोटे भाई बहनों का भी बनता है, आपके एफर्ट्स का भी बनता है। तो छोटे भाई बहन आपके लॉस का कारण बन सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, प्रॉपर्टी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं, आपकी गेन्स के अंदर भी आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। 11वां भाव जो है वो 12वें भाव से अगेन इट गोज टू द 12th पोजिशन। सो आप देखेंगे कि छोटे भाई बहनों की वजह से लॉस, और एक और यहाँ पर प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को क्रेडिट नहीं मिल पाता, एफर्ट्स अनरिकग्नाइज जा रहे हैं। तीसरे भाव का मालिक जब अष्टम भाव के अंदर बैठ रहा है, एफर्ट्स अनरिकग्नाइज्ड है बट वो अक्यूमुलेट हो रहे हैं तीसरे भाव के अंदर, अनअर्न्ड अर्निंग के पास जा रहे हैं। 12वां भाव तो है ही व्यय का, 12वां भाव जो है वो आपके वेस्टेज का तो भाव है, वो देने का भाव है लोगों को। तो आप अभी एफर्ट्स दूसरों के लिए कर तो रहे हो बट वो आपके एफर्ट्स रिकग्नाइज नहीं कर रही है, इनको प्रॉब्लम देखने मिलती है। तो सूर्य का कुंडली में सही करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि वो थोड़ा नेम फेम आपको मिल पाए। देखिए, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर आप प्लैनेट की तरह एक्ट करने लग जाएं, आप घर की तरह एक्ट करने लग जाएं, तो आप चीज़ों को काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए, तीसरे भाव का मालिक जब 12वें भाव के अंदर होगा, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बर्थ प्लेस से दूर जाना। वहां पर अगर आप कर्म करेंगे, मतलब 12वें भाव के अंदर जाकर आप कर्म करेंगे, तो आपको यहां पर एक क्रेडिट मिल पाएगा। तो घर से दूर जाना, फॉरेन कंट्री में अगर सेटल होने का मौका मिलता है, तो आपको जरूर फॉरेन कंट्री के अंदर सेटल होना चाहिए, या तो घर से दूर आपको सेटल होना चाहिए। देखिए, तीसरे भाव का मालिक 12वें भाव में बैठ गया, 12वें भाव में जो प्लैनेट बैठा है वो बाधक बन जाता है, मैरिज के अंदर प्रॉब्लम दे सकता है। मैरिज कुंडली मिलान करके करिए, अदर कास्ट कल्चर रेस के अंदर मैरिज होने का यहाँ पर चांस बनता है। फॉरेन कंट्री जाकर कोई नई लैंग्वेज सीखें, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए, किस फील्ड में आप अच्छा कर सकते हैं, अभी तो हमने नेगेटिव्स देख लिए, पॉजिटिव्स देखने की कोशिश करते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड 12वें भाव के अंदर जाकर बैठा है, अपने आपको मेडिटेशन की स्टेट में डालेंगे, बहुत जल्दी अडेप्टेबल हो जाएंगे स्पिरिचुअलिटी की फील्ड, हीलिंग की फील्ड, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड, रिसर्च की फील्ड, जहां पर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जहां पर आप पैसा तो ज्यादा बना रहे हैं बट आप लोगों को दिख नहीं रहे, उसमें भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन फॉर रॉ एजेंट एंड सीक्रेटिव एजेंट्स जो होते हैं, जहां पर आप लोगों का चेहरा नहीं देख पाते बट बैक एंड में अच्छा काम करना, उसके अंदर पैसा अच्छा बन सकता है आपका, और घर से दूर जाकर करेंगे तो आपको क्रेडिट भी यहां पर कहीं ना कहीं मिल पाएगा। तो ये दो तीन चीजों का यहां पर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैरिड लाइफ के अंदर अगर मैं कहूं तो बहुत सोच समझ के यहां पर शादी करनी चाहिए आपको, क्योंकि देखिए तीसरे का और सातवें का संबंध भी अच्छा नहीं है, 12वें का और सातवें का भी संबंध अच्छा नहीं है। तो दोनों तरीके से ये ड्यूअल वे से आपके सप्तम भाव को कहीं ना कहीं खराब करता है। सो दिस इज इट फॉर थर्ड लॉर्ड इन 12th हाउस। स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना चाहिए आपको, कोई ना कोई ऐसे हीलिंग साइंसेस को फॉलो करना चाहिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, बहुत डिटेल वीडियो है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आपको समझ आ जा पाए कि एफर्ट्स कहाँ पर डालने हैं। ऑल्सो विथ दिस वीडियो आई थिंक वी आर गोइंग टू क्रॉस अबाउट 22,500 सब्सक्राइबर्स। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी, और जो चाहता हूँ वो कर पा रहा हूँ सिर्फ आप लोगों की वजह से। ऑल्सो वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ डोनेशन इन द नेम ऑफ एस्ट्रो INDI। हम लोग बहुत सारे ऑर्फनेजेस को डोनेट कर रहे हैं, आप क्लिप्स आगे देख पाएंगे। लॉट ऑफ गुड वर्क इज गोइंग ऑन ओनली बिकॉज ऑफ यू गाइज एंड दिस चैनल। लॉट्स ऑफ लव टू ईच एंड एवरीवन। हनुमान चालीसा की हमारी रेमेडी ज्वाइन करें आप, आपको अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेंद्र।